जो भी हमको बातें बताते हैं 18 प्रिंसिपल्स के बारे में, PSSM के या गीता सर के बारे में, वो सब चीजों को सर ने बहुत अच्छे से समझा है और उसको अपने जीवन में उतारा है, और वो उन अनुभव के आधार पर हमको बताते हैं। इसलिए जब भी वो बोलते हैं तो उनकी बात बहुत ही प्रभावशाली होती है और सभी लोगों के ऊपर उसका बहुत अच्छा असर होता है। तो मैं आप सर से प्रार्थना करूंगी कि सर आप हम सब लोगों का मार्गदर्शन करें, सबको ध्यान करवाएं, और फिर आगे आप अपना सब्जेक्ट के बारे में बोले। थैंक थैंक यू वेरी मच प्रगति मैडम। यू। आज मैं बहुत खुश हूँ कि हमारा नागपुर में एक बहुत बढ़िया सेशन आज शुरुआत तो होने वाला है। कविता मैडम ने और प्रगति मैडम ने दोनों ने बहुत अच्छा इनिशिएट लिया है सबके पास ध्यान और ज्ञान को पहुंचाने के लिए। इसके लिए मैं कविता मैडम को, प्रगति मैडम को कंग्रेचुलेशन देना चाहता हूँ और सभी मास्टर्स को जो लोग अभी इस सेशन में भाग लिया है आप सब लोगों को मैं कंग्रेचुलेशन देना चाहता हूँ। आज आप सब लोग ज्वाइन किया है और ये 40 डेज होते होते आपके अंदर कितना सारे चेंजेस आएंगे आप खुद ऑब्जर्व कीजिए, क्योंकि ये समय ऐसा समय है कि इस समय सब लोग एक बुद्धा बनने का स्थिति आया है। तो हम सब लोग एक बुद्धिमान बनने का जरूरत है। हमारा जो बुद्धि है अभी तक समाज तरफ रहे हैं, अब समाज का जो बुद्धि है उससे हम आगे बढ़ते हुए हम आत्मज्ञान के द्वारा हमारा जो बुद्धि को बढ़ाने का जरूरत है। ये काम करने के लिए आज कविता मैडम और प्रगति मैडम ने विषय किया है, बहुत अच्छा बात है। और बहुत सारे मास्टर से आज नागपुर से सब लोग जुड़े हैं और नागपुर से अलावा बहुत सारे मास्टर्स आज इधर जुड़े हैं। मेरे सामने विधि मैडम दिखाई दे रही है, शील मैडम दिखाई दे रही है, निर्मला मैडम है, काजल मैडम है, वंदना मैडम है और डिम्पल जी है, बहुत सारे लोग, सुनील व्यास साहब है, बहुत सारे मास्टर्स आज हमारा नागपुर का सेशन में आए हैं। इसके लिए मैं सब लोगों को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि क्योंकि आप सब लोग आके इस सेशन में ऊर्जा बढ़ाने के लिए आपका जो प्रेजेंस है इस सेशन का जो ऊर्जा बढ़ गया है। आज हमारा हम पहले इस सेशन को शुरुआत करने के पहले हम प्रणाम करेंगे हमारा गुरु जी ब्रह्मर्षि पिता महापत्री जी, जिन्होंने 40 साल से ये धरती स्वर्ग कैसे बनना है, हर एक व्यक्ति तक ध्यान कैसे पहुंचाना, हर एक व्यक्ति कैसे शाकाहारी बनना, इसके बारे में उन्होंने एक आंदोलन शुरू किया है 40 साल से। इसी की वजह से आज लाखों लोग आज मेडिटेटर बने हैं, मास्टर्स बने हैं, ग्रैंड मास्टर्स बने। तो एक व्यक्ति एडलेटेंड हो गया तो पहले सब लोग हिमालय में जाते थे, लेकिन पत्री जी ने इस संसार के साथ रहते हुए, संसार ही निर्वाण कहते हुए, उन्होंने घर घर जाके, गांव गांव जाके, शहर शहर जाके हम सब लोगों को के हिम्मत दिया है कि जेब में एक पैसा रहने की जरूरत नहीं है, फिर भी अगर हमारे पास हिम्मत है, अगर हमारे पास स्वप्न है तो हम उस स्वप्न को साकार कर सकते। तो पत्री जी के पास स्वप्न था। पत्री जी जहाँ पैदा हुआ था, तेलंगाना और आंध्रा, ये दोनों जगह पे हर में 99.5% लोग नॉनवेज खाते हैं, सिर्फ 0.5% ही शाकाहार खाने वाला लोग है। तो उस जगह पे पत्री जी ने एक रेवोल्यूशन लेके आके उस जगह पे लोगों अभी शाकाहार की तरफ मुड़ गया। ये महान, ये नॉर्मल काम नहीं है। मेरे जैसे व्यक्ति पहले मांसाहारी था, लेकिन शाकाहारी बन के, ध्यानी बन के, योगी बन के, ऋषि बन के, ब्रह्मर्षि तक हम पहुंच रहे हैं। मतलब दैट मीन्स ये ब्रह्मर्षि पिता महापात्री जी का जो गाइडेंस है, उन्होंने बताया है कि मैं आपका गुरु नहीं हूँ, आपका श्वास ही आपका गुरु है। जो व्यक्ति आपका श्वास के साथ रहेंगे, आपका आत्मा के साथ आपको जुड़ जाएंगे, आपको आत्मा की तरफ से ही गाइडेंस आएगा। इस तरह का पत्री जी ने हम सब लोगों को आध्यात्मिकता, मतलब आत्मा के साथ जुड़ जाना, आत्मा के साथ जुड़ने के लिए पूजा एक रास्ता नहीं है। पूजा करेंगे तो आपका आत्मा के साथ कनेक्शन नहीं है, भजन करेंगे तो आपका आत्मा के साथ कनेक्शन नहीं है, मंत्र जाप करेंगे तो आपका आत्मा का कनेक्शन नहीं है, योगासन करेंगे तो कनेक्शन नहीं है, प्राणायाम करेंगे तो नहीं है, फिर किसके कैसे कनेक्शन रहेगा? आत्मा के साथ कनेक्शन है आपका श्वास के साथ। जैसे ही सहज और सरल श्वास के साथ रहेंगे, आपका मन शून्य हो जाएंगे, उसी समय आप
आत्मा के साथ जो कनेक्शन है वो पाएंगे। यही पत्री जी ने सीधा बताया सब लोगों को। भगवान माने कहीं मंदिर में, कहीं आकाश में और कहीं कोई नहीं है, भगवान माने हम स्वयं हैं, अहम ब्रह्मास्मि, ये आत्मा ही परब्रह्म है। यही सत्य को पत्री जी ने सबको पास पहुंचाया है। वो पब्लिक प्रोग्राम हो, प्राइवेट प्रोग्राम हो, कहीं भी हो, पत्री जी ने हम सब लोगों को यही सत्य बताया है कि हम जो अभी तक जो पुराने जमाने से जो विश्वास से लेके आ रहा है, ये सबको तोड़ दिया पत्री जी ने। जो समाज जो बोल रही है ये अगर वो सही नहीं है तो पत्री जी ने सीधा बता के हम सब लोगों को सत्य के तरफ लेके आया है। जो सत्य है वो है, जो बुद्धा ने बताया, जो जीसस ने बताया, जो आदिशंकराचार्य बताया, इसको हम सब लोगों ने अभी तक फॉलो नहीं किया। हम सिर्फ उनको पूजा करते रहे लेकिन उनको जीवन में उतारा नहीं। जैसे हम मैं सचिन तेंदुलकर जैसे बनना चाहता हूँ तो समाज कह रहा है कि सचिन का फोटो लेके आके सचिन में पूजा करो, सचिन को फूल माला चढ़ाइए, सचिन के गाना गाइए, तब तुम सचिन जैसे बन सकते हैं, ये समाज कह रहा है। पत्री जी कह रहा है कि सचिन जैसे बनना है तो तुम प्रैक्टिस करना पड़ेगा। सचिन ने कितना मेहनत किया है वैसा मेहनत करना पड़ेगा। सचिन का जो किताब को, उनका जो ऑटोबायोग्राफी है उसको लेके आके वो जब पढ़ेंगे और उसको प्रैक्टिस करेंगे तभी हम भी सचिन जैसे बन सकते हैं। लेकिन समाज कहते हैं कि सचिन का फोटो लेके आके उनको फूल माला चढ़ा के ओम सचिन तेंदुलकर महा, ओम बैटिंग गाइड महा कहेंगे तो हम बन जाएंगे, कहेंगे तो कैसे कहेंगे। श्री कृष्ण जैसे बनने के लिए श्री कृष्ण जो भी किया है वो हमको जीवन में उतारना पड़ेगा। तो ध्यान करेंगे, जो श्री राम ने जो ध्यान किया बचपन में, श्री कृष्ण ने जो किया है, जो हनुमान जी किया, जो शिव जी का ने किया है, वही चीज हम जीवन में उतारना है, तभी हमारे जीवन में दुख से बाहर आके स्वस्थता के साथ, शांति के साथ, शक्ति के साथ, ज्ञान के साथ हमारे जीवन को जी सकते हैं। तो इतना कहते हुए आज हमारा टॉपिक है सात आईना। इस सात आईना के बारे में आज जानकारी करेंगे। पहले तीन आईना के बारे में जानकारी करके उसके बाद हम 20 मिनट से लेकर आधा घंटा के लिए ध्यान करेंगे, ठीक है? आप सब लोग तैयार है? यस। तो फ्रेंड्स, यस सर, ओके। तो आप सब लोग एक नोट्स लेके आप बैठ जाइए, जो भी चीज मैं बताऊंगा सभी नोट करने का जरूरत है आपको। जब नोट करेंगे, जब भी आपके जीवन में कहीं भी दिक्कत आएंगे, आप सब लोग क्या है कि इसको रेफर कर सकते हैं। जैसे हमको उस समय जब पहला दिन था जो जूम सेशन का नागपुर में, उस समय सर ने बताया था कि अभी हम आपके जीवन में कभी भी कुछ जरूरत पड़ेंगे, जो भी मैं बताने वाला हूँ ये सभी है हमारे जीवन को जीने के ढंग है। आज जो बताऊंगा ये जानने की वजह से हम अपना रिलेशनशिप इश्यूज को कैसे ठीक कर सकते हैं। हम जीवन में एक ही घर में रहेंगे, एक घर में चार लोग रहेंगे, दस लोग रहेंगे, लेकिन एक दूसरे को सब पढ़ते नहीं है। पति वो उस साइड रहेंगे, पत्नी एक साइड रहेंगे, बच्चे अपने हिसाब से रहेंगे, माता पिता अपने हिसाब से रहेंगे। हमको पता नहीं है कैसे रहना है जीवन में। दूसरों के साथ संबंध हम कब तक रखना चाहिए, कब तक नहीं रखना चाहिए, ये भी पता नहीं है। तो आज ये सात आईने के द्वारा आज हम जानकारी करेंगे कि कैसे हम अपना रिलेशनशिप एक नए व्यक्ति के साथ रखना चाहिए, अपना परिवार के साथ रखना चाहिए, अपना बीवी बच्चे के साथ रखना चाहिए, अपना माता पिता के साथ रखना चाहिए, फाइनली हमारा जो रिलेशन है हमारा आत्मा के साथ कैसे रखना चाहिए, ये सभी हम जान सकते हैं आज इस सात आईना के द्वारा। तो फ्रेंड्स, सात आईना, आईना क्या करती है? आईना क्या करती है कि हमारे चेहरे में जो है वो दिखाई दे, वो दिखाई देने में हमको मदद करती है। मैं गोरा हूं, मैं काला हूं, मैं नाटा हूं, मैं छोटा हूँ, वो कैसे पता चलेगा हमको? जब आईने में देखेंगे तभी पता चलेंगे कि अभी मेरा मुंह कैसे है। लेकिन अभी फॉर एग्जांपल मेरा मुंह पे इधर काला दाग लग गया एक जगह पे,
ये मुझको पता चलेगा क्या? जब तक मैं आईना के सामने नहीं जाऊंगा, जब मैं आईने के सामने जाऊंगा तभी मैं देख सकता हूं कि हाँ मेरे मुंह पे इस जगह पे काला दाग लग गया। तो मैं क्या करूंगा? अच्छा, काला दाग लग गया, फिर इसको साफ करना पड़ेगा। फिर मैं क्या करूंगा? मेरा जो इमेज है कहाँ दिखाई दे रहा है? आईने पे दिखाई दे रहा है। तो मैं क्या करूंगा कि आईने के पास जाकर, अरे आईने में दिखाई दे रहा है ये जो काला दाग है, मैं एक कपड़ा लेके आईना को साफ करना शुरू करूंगा। जिस जगह पे एक काला दाग दिखाई दे रहा है उस जगह पे जाके मैं साफ करना शुरू करूंगा, निकल जाएंगे। फिर मैं क्या करूंगा? अरे ये निकल नहीं निकल रही है, और मैं निकालना शुरू करूंगा। लेकिन एक समय में क्या होगा कि वो आईना टूट जाएगा या मेरे हाथ में खून खून हो जाएगा, क्योंकि मैंने कौन सा जगह पे साफ करने के लिए कोशिश कर रहा हूं? दाग इधर लग गया, मैं कोशिश कर रहा हूं दाग मिटाने के लिए कहां? मेरा इमेज पे, मेरा रिफ्लेक्शन पे। वो कैसे हो गए? तो दाग इधर लग गया तो वो उसको हम मिटाना चाहिए, हम कहां इधर मिटाना चाहिए। जब इधर मिट गया ऑटोमेटिकली मेरा जो चेहरा साफ दिखाई देगा आईने में। तो हम भी क्या करना चाहिए कि हमारे जीवन में कहीं भी प्रॉब्लम आया हमारे रिलेशनशिप में, हम क्या करते हैं कि दूसरों को बदलने के लिए कोशिश करते हैं, अपने पति को, अपने माता पिता को, ठीक है, इस तरह का दूसरों को बदलने के लिए कोशिश करते हैं, लेकिन हम खुद बदलने के लिए तैयार नहीं रहते। लेकिन जब तक हम खुद बदलेंगे नहीं है तब तक क्या होते हैं कि आपका जो रिलेशनशिप इश्यू है वो ठीक नहीं होगा। तो हम खुद बदलना है लेंगे तो उसी समय जो चेहरे का जो इमेज है वो मिट जाएगा, ठीक है। लेकिन जब तक हम बदलेंगे नहीं तब तक वो जो रिलेशन है वो परेशान करता रहेगा, करता रहेगा, करता रहेगा। वो आया क्यों है कि हम खुद को बदलने के लिए। तो ये है हमारा आईना के साथ हमारा जो रिलेशन है। तो पहला जो आईना है, ये आईना क्या दिखाते हैं कि फर्स्ट मिरर, द मिरर इज द रिफ्लेक्शन एट द प्रेजेंट मोमेंट। इस मोमेंट में मैं कौन सा वाइब्रेशन के साथ में हूँ उसके हिसाब से मेरा रिलेशनशिप रहेगा। अभी मैं प्रेजेंटली गुस्सा में हूँ, ठीक है, मुझको प्रमोशन नहीं मिल रही, मेरे ऑफिस में मुझको प्रमोशन नहीं मिल रही, इसलिए मेरे बॉस से गुस्सा हूँ और मेरा कोलिग से भी गुस्सा हूँ, ठीक है ना। तो अभी जो मेरा गुस्सा है ये क्या करेगा कि मेरा जीवन में इस तरह तरह व्यक्ति हमारा जीवन एंटर करेंगे। कौन सा भी लोग एंटर करेंगे, हमको गुस्सा देने वाला, हमको गुस्सा दिलाने वाला व्यक्ति हमारे जीवन में एंटर करेंगे। क्योंकि हम जब भी गुस्सा रहते हैं तो हमारा जो थॉट्स है, हमारे जो फीलिंग्स है, हमारे आभा मंडल में रहेंगे, हमारा आराम में रहेंगे। तो हम हमेशा क्या कि थॉट्स है, फीलिंग्स से हमेशा आउटसाइड प्रोजेक्ट होते रहेंगे। जो थॉट्स से या फीलिंग्स से जब प्रोजेक्ट होता रहेंगे, सामने बंदा उसको कैच करके वो बंदा भी क्या करेगा, आपके आपको साथ आप देखते ही आपको गुस्सा दिलाएगा, आपको गुस्सा करेगा, इस तरह का काम करेगा वो, क्योंकि आपने इस तरह का थॉट्स को आप रिलीज किया है, ठीक है। एक व्यक्ति है सुबह 5 बजे का अलार्म रखा, उनका ऑफिस का जो प्रोजेक्ट रिपोर्ट देना है, लेकिन उनका जो 5 बजे अलार्म है वो बजा नहीं है। वो बजा है लेकिन उनका बीपी ने सोचा था कि अभी इनको क्या जगाना है, अभी ठीक है थोड़ा देर सोने दो, रात को तो फिर 1 बजे तक उन्होंने प्रोजेक्ट वर्क किया, इस तरह का सोच के उनका बीपी थोड़ा जगाए नहीं है। लेकिन वो 6:30 बजे जग गया, 6:30 बजे जगते ही वो देखा है कि अलार्म नहीं बजा, तुरंत ही वो गुस्सा हो गया बीबी पर,
कौन मेरा अलार्म को बंद करके रखता, मेरा प्रोजेक्ट रिपोर्ट करना चाहिए था। फिर तुरंत उन्होंने गुस्सा होते होते अपना बीवी को डांट के, अपना बच्चे भी सामने आए, उनको भी फिर गुस्सा हो गया था, के लिए बाथरूम में पहुंच गया। और जब ब्रेकफास्ट का समय में आया, उसी समय क्या है कि जब ब्रेकफास्ट कर रहा था, उसी समय उनका जो बेटी है वो गलती से जो पानी का जो ग्लास है गिरा दिया। फिर तुरंत ही उन्होंने फिर बेटी पर गुस्सा हो गया, फिर ठीक से ब्रेकफास्ट भी नहीं किया। फिर उसके बाद फिर उन्होंने अपना कार को स्टार्ट किया, लेकिन कार तो जो स्टार्ट करते ही हमेशा जो स्टार्ट होती है वो स्टार्ट नहीं हुआ उस दिन। फिर उन्होंने बहुत ट्राई किया, बैटरी को चेक किया, इसके 15 मिनट लेट हो गया। तो उस लेट हो गया इसी की वजह से उन्होंने क्या किया कि फिर चल पड़े हैं ऑफिस में, इतना फास्ट इतना तेजी से कार को चला रहा था। उसी समय उसका पीछे और एक बंदा आया कार के साथ, उन्होंने इसका कार को टेक ओवर करने के लिए कोशिश कर रहा, इसके कुछ समय इतना तेजी से चला रहा हूँ, ये पीछे बंदा के मुझको ओवरटेक करने के लिए चाहते हैं। फिर दोनों के बीच में कॉम्पिटिशन हो गया, तो पीछे बंदा है वो और हॉर्न बजाने लगा। फिर इसको गुस्सा होते वो रोड पे बीच में अपना कार को पार्क करके उसके बंदे के पास जाकर उसका झगड़ा करना शुरू किया। फिर ऑफिस में पहुंच गया था घंटा लेट, फिर अपना बॉस बुलाया उनको, लेट क्यों हो गया बोल के उसको डांट मारे। देखा एक जो मूड था उसका, जो सुबह के टाइम में जो मूड था उसका, उसका मूड के वजह से हर दिन अच्छा चल रहा था, हर दिन अपना बेटी के साथ एक किस करके अच्छा सा ब्रेकफास्ट करके चलता था, अच्छा सा आराम से कार चलाता था और स्टार्ट भी हो जाता था, ऑफिस का आराम से टाइम में पहुंच जाता था। लेकिन आज सुबह उठते ही उनका जो मूड था, जो फ्रस्ट्रेशन था, उसके वजह से उनका पूरा दिन खराब हो गया। क्योंकि उसका अंदर जो वो फ्रस्ट्रेशन था, यह क्या हुआ था कि बाहर दुनिया में रिलीज हो गया, इसी की वजह से क्या है कि सामने बंदे भी इस तरह का बिहेव करना शुरू किया। अगर वो हो सकते लेट उठ गया, फिर क्या करना चाहिए उसको, मूड को सही करना चाहिए उसको। जैसे उसका बीवी ने उसको जगाया नहीं है, लेकिन अपना बीवी को तुरंत बोलना चाहिए, तुरंत डांटना तो चाहिए लेकिन अपना मूड को भी सही करना चाहिए। तुरंत उन्होंने यस अभी मेरा प्रोजेक्ट ये काम करता हूँ मैं ऑफिस पे जाके करूँगा, नहीं इस तरह का करूँगा, इस तरह का उन्होंने तुरंत ही क्या करना है कि उसका जो सोल्यूशन ढूंढ के अपना मूड को सही करने की जरूरत है। जब वो अपना मूड को जब सही नहीं किया है, तब क्या होते हैं कि उसका जो असर है वो दूसरा पर पड़ेगा। तो डियर मास्टर, सबको क्या करना चाहिए कि हमेशा अपना जो इमोशन है उसको चेक करना चाहिए। अभी इस समय में मैं कौन सा इमोशन में हूँ, इसको जानने का, पहचानने का जरूरत है। आप उसका सॉल्यूशन ढूंढना बाद में कीजिए, लेकिन मैं कौन सा इमोशन में हूँ इसको पहचानने का जरूरत है। जिस समय आप पहचान लिया, आप तुरंत ही उसको आपका जो सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा। अगर आपको पता चल गया कि मैं गुस्सा में हूँ, मैं गिल्टीनेस के साथ में हूँ, मैं चिंता कर रहा हूँ, ये चीज़ पता चल गया तो ये अवेयरनेस में आपको आ गया है, तब आपको सॉल्यूशन है ऑटोमेटिकली मिलेगा। लेकिन आपको खुद पता नहीं है कि मैं फ्रस्ट्रेशन में हूँ, मैं चिंता कर रहा हूँ, मैं गिल्टी फील में हूँ, ये आपको खुद पता नहीं है, तब क्या होते हैं कि इसका जो असर है ये एटमॉस्फेयर में पहुँचेगा आपके द्वारा। इस एटमॉस्फेयर में पहुँच के तरह तरह लोग आपके जीवन में आके आपको फ्रस्ट्रेशन करेंगे। अगर आपका मूड सही नहीं है, उसी दिन आपको काम करने वाली नहीं आएगी। जो दूध देते हैं हमेशा, वो दूध देने वाला नहीं आएगा। या किसी पड़ोसन के साथ आपको झगड़ा हो जाएगा, तुम क्यों डस्टबिन को इधर बाहर फेंक दिया, तुम्हारा डस्टबिन की वजह से ऐसा हो गया बोल के ये झगड़ा हो जाएगा। ये सब कुछ क्यों हुआ था कि आपका जो वाइब्रेशन से ये बाहर दुनिया में बेचते रहते हैं, इसका इफेक्ट हमारे जीवन में रहेगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो
यह है हमारा कॉन्शियस माइंड में जो भी हमारा जो वाइब्रेशन रहेगा ये इफेक्ट पड़ेगा हमारा जीवन में। तो मैं 7 साल के पहले मैं चंडीगढ़ में था, मैं और मेरा वाइफ दोनों बेंगलुरु में जा रहा था, बेंगलुरु का हमारा बुद्ध पूर्णिमा सेलिब्रेशन के लिए जा रहा था, मे का समय में था। जब जाने के पहले जितना भी एयरफोर्स का जितना भी हमारा कोलिग्स का जो वाइफ से ये लोगों ने मेरा वाइफ के साथ एक बार चिट चैटिंग किया है, लेडीज तो चिट चैटिंग होते रहते हैं ना, उसमें वो सब लोगों ने क्या डिस्कस किया है कि ट्रेन में जाने के समय में कैसे चोर लोग आते हैं, कैसे वो लोग चोरी करते हैं, कैसे चेन को खींच के जाते हैं, पानी के अंदर क्या मिला देते हैं, कैसे सूटकेस से उठा के लेके जाएंगे, तो चोरी कैसे होते हैं, इसके बारे में मेरा वाइफ के साथ डिस्कस किया। ठीक है, तो मेरा वाइफ तो क्या है कि ट्रैवल के पहले डरना शुरू कर गया, हम तो ट्रेन में जाने वाला है, अभी तो हमको 3 AC में रिजर्वेशन नहीं मिला, हम तो स्लीपर में जाने वाला है, अभी क्या होगा पता नहीं है, जब भोपाल के पास आएंगे तो चोर लोग आके ऐसा करेंगे, दिल्ली में ये इस जगह पे ऐसा होते हैं, ये सब कुछ जो सुनी है ये उनको पर असर पड़ गया। तो ट्रेन में चलने के बाद भी मेरा वाइफ ने मुझको बताना शुरू किया कि देखो वो जो साधु जैसे दिखाई दे रहा है वो बंदा सही नहीं है, उसको भगाइए। बोलो, मैं बोला हूँ कि वो बंदा सही है कि नहीं कैसे पता चलेंगे हमको, तुम्हारा बात सुन के मैं कैसे उसको पता भगा सकता हूँ, हम नहीं कर सकते हैं। मेरा वाइफ के साथ साथ और एक वाइफ और एक औरत है हमारे सामने सीट पे बैठी है, वो ज्वाइन हो गया। ये दोनों ने फिर ट्रेन में भी डिस्कस करने लगे चोरी के बारे में, चोर के बारे में, चोरी के बारे में। फिर मैं सोचा था कि आज तो कुछ होने वाला लग रहा है, ये लोग इसके बारे में ज़्यादा डिस्कशन कर रहे हैं। फिर मेरे वाइफ को बोला है कि तुम आज नीचे नहीं सोना है, तुम ऊपर सो जाओ। बोला, ऊपर का सीट उनको सुला दिया, मैं नीचे बैठ गया सो रहा था। रात को 1 बजे के समय में ट्रेन में सामने औरत है, वो चिल्लाना शुरू किया। फिर मैं उठ के देखा हूँ क्या हो गया उनको, फिर देखा है कि वो सामने औरत का जो चेन है वो चेन पुल करके एक चोरी ने लेके गया। ट्रेन तो चल ही रहा था लेकिन वो जो चेन लेके गया। तुरंत ही उस समय मैं बताया मेरे वाइफ को, ये तुम्हारा साथ भी होने वाला था लेकिन मेरा एनर्जी की वजह से तुम्हारा बच गया था। क्योंकि जो हम जिसके बारे में जब सोचेंगे उसका थॉट से हमेशा रिलीज होता रहेगा। अगर हमारा थॉट में अगर 50 Hz का फ्रीक्वेंसी है, जो 50 Hz का फ्रीक्वेंसी का जितना व्यक्ति है हमारे जीवन में वो लोग हमारे जीवन में एंटर करेंगे। अभी एक चोरी के व्यक्ति के पास एक फ्रीक्वेंसी है, अभी ये लोग भी चोरी के बारे में बात किया तो क्या वो कहा कि ये जो थॉट्स है वो चोरी व्यक्ति के पास पहुंच गए। वो चोर ने क्या किया है कि उसी सीट पर आके उन्होंने चोरी करके गया जिस सीट से जो थॉट्स रिलीज हुआ है। तो वो थॉट्स क्या करते हैं कि वो व्यक्ति को अट्रैक्ट किया है उस जगह पे, अट्रैक्ट करके उस जगह पे चोरी करने में मदद किया उसको, ये लोगों ने उसको बुलाया। अगर ये दोनों ने इसके बारे में छोड़ के और किसी के बारे में डिस्कस किया होता वो चीज उनको जीवन मिलने वाला था। अक्सर हम क्या करते हैं कि जो चीज नहीं चाहिए उसके बारे में सोचते हैं, जो चीज चाहते हैं उसके बारे में सोचते नहीं। तो जो चीज हम सोचेंगे वही चीज हमारे जीवन में आते हैं। तो हम हमारे जीवन में सोचेंगे कि ज्यादा से ज्यादा हॉरर फिल्म देखेंगे तो भूत रहेगा। रात के समय में हॉरर मूवी देखने वाले क्या होते हैं, रात के समय में घूमने के लिए डर लगते हैं, एक कमरे से दूसरे कमरे में जाने के लिए डर लगते हैं। देखिए आप कभी भी हॉरर मूवी देख के आएंगे रात के अपने घर में भी घूमने के लिए डर लगते हैं, अंधेरे में जाने के लिए डर लगते हैं, क्योंकि आपने खुद हिप्नोटाइज किया है कि उधर भूत रहेगा, ये भूत पकड़ेगा उसको, क्योंकि उस प्रेजेंट मोमेंट उस हॉरर मूवी का जो इफेक्ट है आपके लाइफ में पड़े हैं, इसी की वजह से क्या है कि आप घर में घूम नहीं सकते। तो यह है हमारा जो फर्स्ट मिरर है। फर्स्ट मिरर क्या है कि हमारा इस प्रेजेंट मोमेंट में जो भी थॉट्स हमारे पास रखे हैं वही चीज हमारे जीवन में एंटर करते हैं, उस तरह का व्यक्ति हमारे जीवन में एंटर करते हैं। तो इस तरह के व्यक्तियों को हमारे जीवन में दूर करना है। आपके जीवन में कोई गलती व्यक्ति आया है, इस व्यक्ति को दूर करना है तो क्या करना चाहिए हमको,
सपोज अभी इधर निर्मला मैडम है, निर्मला अग्रवाल मैडम डेली इधर नागपुर का सेशन अटेंड कर रही है, उड़ीसा में आके इधर अटेंड कर रही है, ठीक है ना। तो कविता मैडम सोची है कि आज निर्मला मैडम नहीं आना चाहिए, वो डेली इधर आके तरह तरह सवाल पूछ के हमारे सेशन को बर्बाद कर रही है, हमारे नागपुर वाले को चांस ही नहीं मिल रहा है। मैं निर्मला मैडम है कि बहुत सवाल पूछ के इधर लोगों को डिस्टर्ब नहीं कर रही है, तो आज का शाम के सेशन में निर्मला मैडम नहीं आना चाहिए बोल के उन्होंने सोचा, निर्मला 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 सोचा। तो क्या होगा कि शाम के समय में हर दिन जो निर्मला मैडम है वो सवाल क्वेश्चन पूछने के समय में आती है, लेकिन आज के सेशन में क्या होगा कि शुरुआत से रहेगा, वो शुरुआत में आके ज्वाइन करेगा, क्योंकि ये मैडम का जो थॉट्स है उनके पास पहुंच गया। इसलिए निर्मला मैडम सोची है कि हर दिन में मैं हमेशा शाम लास्ट में जा रहा हूँ, जहाँ क्वेश्चन डांसर के सेशन में जा रहा हूँ, इस समय मैं आज क्या करूँगा कि मैं शुरुआत में ज्वाइन करूँगा, इस तरह का वो आएगा। ये चीज़ क्या है कि कॉन्शियसली नहीं होते, अनकॉन्शियसली होते, ठीक है। तो अगर कविता मैडम नहीं चाहती है, निर्मला मैडम नहीं आना है, तो क्या करना चाहिए उनको, उनको निर्मला मैडम के बारे में सोचना बंद करना चाहिए। जब उसके बारे में सोचना बंद करेंगे ऑटोमेटिकली निर्मला मैडम तो नहीं आएगा इस सेशन में, ठीक है ना जी। तो हमारे जीवन में कोई भी व्यक्ति हमको नहीं चाहिए, उसके बारे में सोचना बंद करना चाहिए, लेकिन हम क्या करते हैं कि वही व्यक्ति हमारे दिमाग में घूमता रहेगा, वो व्यक्ति मुझको ऐसा किया है, व्यक्ति ऐसा किया है, इसके वजह से मेरा ये परेशानी हो गया, हम बार बार उसी के बारे में सोचते रहते हैं, इसी की वजह से वो व्यक्ति हमारा बार बार आके परेशान करते हैं, ठीक है ना जी। तो ये है हमारा फर्स्ट मिरर है, पहला आईना है, तो हमको इसको सही करना है, तो अवेयरनेस के साथ रहना चाहिए, इस प्रेजेंट मोमेंट में कौन सा मूड में है उस मूड को हमको चेक करना चाहिए, ओके। नेक्स्ट दूसरा मिरर है, दूसरा आईना, ये आईना क्या है, क्या बताते हैं कि हमारे जीवन में कभी कभी क्या होगा कि इस तरह के सिचुएशन होते हैं कि हमको बहुत परेशान करते हैं, हम सोचेंगे कि मैं भी सही मूड में हूँ, शांति के साथ में अच्छा हूँ, लेकिन क्या है कि सडनली आपके घर में चोरी होना, आपको कोर्ट में चले जाना, आपका बेटी आपका जो शादी करना है वो नहीं किया है, पुलिस का केस होना, कोर्ट केस हो जाना, किसी के साथ झगड़ा हो जाना, इस तरह केसेस होते हैं, ये लाइफ आपका लाइफ में आपका कैरेक्टर पर धाक लग जाना, ये सब कुछ होते हैं। ये सब कुछ क्यों होते हैं कि इसका रीजन है, ये है, ये दूसरा आईना है। ये आईना क्या है कि आपने जो जजमेंट किया दूसरों पर, ये वो आईना है, दूसरा द मिरर ऑफ जजमेंट, दिस इज द सेकंड मिरर, ठीक है ना। हम दूसरों पर जो भी जजमेंट किया है अभी नहीं पहले, ये अभी हमको असर पड़ेगा। फर्स्ट मिरर में आपका कॉन्शियस माइंड में जो भी थॉट्स है, जो भी फीलिंग्स है, ये आपके जीवन में तरह तरह व्यक्तियों को अट्रैक्ट कर रहे हैं, लेकिन आपने जो भी जजमेंट्स किया है कभी भी किसी भी जन्म में, वो अभी आपके लाइफ पे अफेक्ट करेगा। ये सबकॉन्शियस माइंड में जो भी आपका मेमोरी है, ये क्या करेगा कि आपने जो भी जजमेंट्स किया आपके लाइफ पे आएगा। सपोज मैं हिंदू समझते हुए मैं मुसलमान को गाली दिया, मुसलमान व्यक्ति सही नहीं है, जिंदगी भर उसको मैं नफरत किया, तब क्या होते हैं कि मेरा मेमोरी में रहेगा कि मुसलमान सही नहीं है। लेकिन उस समय क्या होता है कि वो जो भी जजमेंट मैं किया हूँ, उस समय सडनली मैं हैदराबाद पहुंच गया एक बार ट्रैवल करते हुए, तो क्या होगा कि जहाँ उधर हिंदू और मुस्लिम के बीच में लड़ाई हो रही है कुछ, तब क्या होता है कि जो मुस्लिम से सीधा उधर जो चाकू लेकर घूम रहा है वो मेरे पास ही आएगा सीधा उसको मारने के लिए। क्यों मेरे पास ही आया वो लोग मारने के लिए? क्योंकि मेरे अंदर से जो नफरत का जो सिग्नल से पहुंच रही है, इसी की वजह से वो लोग मेरे पास आया मारने के लिए। और मैं कहीं भी ट्रेन में जाता हूँ तब क्या होता है, मेरा सामने मुस्लिम व्यक्ति आएगा, वो मुझको परेशान करता रहेगा। तो जहां भी मैं जाता हूँ मुस्लिम व्यक्ति मेरे सामने आके मुझको परेशान करता रहेगा, क्योंकि मैं मुस्लिम व्यक्ति को मैं नफरत कर रहा हूँ, मैं हिंदू समझता हूँ, ठीक है ना। तो जो भी मैं जजमेंट किया हूँ मुस्लिम को, मैं उस समय क्या होगा, उस तरह का सिचुएशन मेरे लाइफ में मैं फेस करना पड़ेगा।
मेरा एक फ्रेंड है वो क्रिश्चियन को पसंद नहीं करते क्योंकि क्रिश्चियन लोग हैं हिंदू लोगों को सबको कन्वर्ट कर रहा है, ठीक है। तो जहां भी जाते वो आर्ग्यूमेंट करेगा, तुम्हारा बाइबल में ऐसा लिखा है तो ऐसा क्यों बता रहा है, ऐसा क्यों चेंज कर रहा है। तो वो कहीं भी जाता है, कहीं भी बस में बैठता है, उसके सामने कोई क्रिश्चियनिटी जो कन्वर्ट करते हैं वो पास्टर मिल जाते हैं, ट्रेन में बैठते हैं वही व्यक्ति उसको मिल जाते हैं, वो कहीं भी जाते हैं उसका ऑफिस में भी वो हमेशा झगड़ा होते रहते हैं हर दिन में, क्योंकि उन्होंने वो क्रिश्चियंस को पसंद नहीं करते जो कन्वर्ट करते हैं, इसी की वजह से उनको बार बार वही सिचुएशन उनके सामने आ रही है, ठीक है। तो अगर कोई भी कम्युनिटी को हम पसंद नहीं करेंगे वो व्यक्ति हमारे जीवन में आएंगे, जिस कास्ट को हम पसंद नहीं करते हैं वो लोग भी हमारे जीवन में आते रहेंगे। मेरा चाचा जी है वो क्या किया था कि हमने देखा 20 साल के पहले हमारा फैमिली में एक लड़की है, एक लड़के को प्यार करके कुछ वो चला गया कहीं दूसरे जगह पे, चला गया घर से चला गया। तो लेकिन मेरा चाचा जी को बिल्कुल पसंद नहीं है कि हमारा जो घर का जो लड़की है दूसरों को प्यार करे। फिर उन्होंने उस लड़की को अच्छा ढूंढ के उनको लेके आके वो लड़के को लड़की को पुलिस स्टेशन में रख के उस लड़के को दूर कर दिया। जब तक वो दोनों को दूर नहीं किया तब तक उसको चैन नहीं आया, इस तरह का उन्होंने किया 20 साल के पहले। लेकिन आज हम देखा है कि इस साल में उनको जो दोनों लड़कियां हैं वो अपना घर से चला जाके वो भाग के अपना हिसाब से शादी किए, और दोनों लड़कियों को पता है कि अगर पापा आएंगे तो हमारी शादी का ऐसा दिक्कत होगा, इसलिए वो दोनों लड़कियां क्या किया कि जहाँ शादी किया है उधर जाकर पुलिस स्टेशन में जाकर पहले से भी वो कंप्लेंट डाल के रखी है, पापा आ सकते हैं हमको बंद कर सकते हैं, अपने पापा के ऊपर ही वो लोग केस डाल के रखे। जो उन्होंने 20 साल के पहले जो किया है आज वही चीज उन्होंने आज पाया है, क्योंकि उनका जो जजमेंट है लव मैरिजेस आर नॉट गुड, ठीक है ना जी। तो हम इस तरह का बहुत सारी जो चीज है हमारे हिसाब से नहीं रहेंगे, हम उसको जजमेंट करते रहते हैं दूसरों को, तो वही चीज है हमको बड़ा होने के बाद या कोई दूसरा सिचुएशन में हमको परेशान करते हैं, बिना जानते हुए बिना इंफॉर्मेशन रहते हुए हम किसी दूसरों को हम इस तरह के जजमेंट करेंगे, उसका जो परिणाम को हम फेस करना पड़ेगा हमारे जीवन में। तो ये भी हमारा दूसरा आईना है जो जजमेंट का हमारा जो आईना है, ठीक है ना फ्रेंड्स। तो हमको दो मिरर्स है, एक मिरर है हमारा इस प्रेजेंट मोमेंट में जो भी हमारा दो थॉट्स और फीलिंग्स रहेगा उसके हिसाब से हमारा लाइफ में उस तरह के व्यक्ति आएंगे। सेकंड मिरर है द मिरर ऑफ जजमेंट, दैट मीन्स हम जो भी जजमेंट्स करते हैं वही जीवन में हमारे जीवन जो हमको परेशान करने वाले लोग आएंगे। नेक्स्ट तीसरा आईना है, ये आईना क्या है कि द मिरर ऑफ लॉस्ट, दैट मीन्स जो खो चुके हैं बचपन में वही चीज हमारे जीवन में जब 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 हम जवानी हो जाएंगे जब बड़े हो जाएंगे वो चीज हमारे जीवन में आएंगे। हम बचपन में बहुत सारे चीज को खो जाते हैं, कोई लोग माता पिता का प्यार को खो जाते हैं, कोई लोग है लव खो जाते हैं, कोई लोग अकेला रह जाते हैं बचपन में, कोई लोग हिम्मत को खो जाते हैं। हम बचपन में पता नहीं है, एक लड़की है उसे घर वाले बाहर जाने नहीं दिया, वो लड़की को डांस करने का इच्छा है, संगीत को सीखने का इच्छा है, मूवी देख जाने के देखना अच्छा है, उसको अपने फ्रेंड्स के साथ पार्क में जाना अच्छा है, लेकिन घर का इंस्ट्रक्शंस की वजह से घर का जो डिसिप्लिन की वजह से वो बाहर नहीं गई है, वो अकेला रही है। या किसी का लड़का है उसका जीवन में ऐसा हुआ था कि तो उसको बार बार पुलिस लोग आके उसको परेशान करना, उसको पापा को अरेस्ट करना, पुलिस स्टेशन में लेके जाना, ये झगड़ा होना, इस तरह का सिचुएशन उसको हुआ, तो डरावक चीज उसको वो बच्चे के साथ हुआ है बचपन में, उसको हिम्मत ही नहीं था। तो बचपन के बहुत सारे चीज हमको इफेक्ट करते हैं, तो जो भी चीज हमको बचपन में जो खो चुके हैं वही चीज हम पाने के लिए कोशिश करेंगे जवानी के समय। जैसे एक लड़का है उन्होंने हंसी को खो चुके हैं बचपन में, ठीक है,
उसके जीवन में ऐसा सिचुएशन आया कि वो हंस नहीं सकते, हंसेगा तो उसका पापा डांटेगा, उसका रिश्तेदार उसको मारता नहीं है, उसका सिचुएशन था। अभी वो बड़ा हो गया, बड़ा होने के बाद एक पार्टी में पहुंच गया, यह पार्टी में पहुंचने के बाद उसको उस पार्टी में एक लड़की मिली, वो लड़की है सबको अच्छी तरह रिसीव कर रही है, अच्छा हंस रही है, सबके साथ मिलजुल के रह रही है। फिर ये सोचा था कि अगर यह लड़की मुझको मेरा जीवन में आएगा ना, अगर इस लड़की में शादी करूंगा ना, देखो मेरा जीवन तो बहुत अच्छा हो जाएगा, मैं संपूर्ण हो जाऊंगा, मैं खुश हो जाऊंगा, ये लड़की मेरे लिए चाहिए। इस तरह का वो क्या करेगा, वो लड़की पर फिदा हो जाएगा, ठीक है। और एक लड़की है, उसके जीवन में इनसिक्योरिटी है, उनको बचपन से लोगों ने कमेंट किया है और हमेशा उसको सब लोगों ने हरास किया, इस तरह का सिचुएशन उन्हें फेस किया। एक लड़का जो हिम्मत दिखाते हैं उसको देखा वो लड़की ने, वो लड़की सोचा था कि ये लड़का मेरे जीवन में आएगा ना, देखो बहुत अच्छा हो जाएगा, मेरा जीवन तो बहुत बढ़िया सा हो जाएगा सोचेगा, ठीक है ना। तो इस तरह का जो चीज़ हम खो चुके हैं उसी चीज़ को हम पाने के लिए क्या करेंगे, जवानी में कोशिश करेंगे, उस तरह का पार्टनर को हम अट्रैक्ट करेंगे। तो उस लड़की के लिए लड़का क्या करेगा, अपना जो माता पिता है, अपना माता पिता से भी दूर हो जाएगा, दीवार भी कूद लेगा, अपने शरीर में एक ब्लेड लेके ब्लेड से काटेगा भी शरीर को, वो लड़की नहीं मिलेगा तो मैं नहीं रहूंगा, वो लड़की ही मेरे लिए चाहिए बोलेगा, लड़की भी बोलेगा वो लड़का मिलेगा तो मेरा जीवन तो बहुत बहुत मस्त है। तो हम सोचेंगे कि ये लड़की ये लड़का से कैसे शादी किया है, ये लड़का ये लड़की के लिए क्यों भाग के चला गया, ये दोनों का फैमिली लाइफ डिफरेंट है, दोनों का जो इकोनॉमिकल स्टेटस है डिफरेंट है, लेकिन एक दूसरे को मरने के लिए तैयार है, मारने के लिए भी तैयार है, क्यों? क्योंकि वो दो लोगों ने क्या चीज खो चुके हैं और वो पार्टनर मिलेगा तो क्या मिलेगा वो दोनों जानते हैं, हम नहीं जानते, ठीक है ना। इसलिए इस लव रिलेशनशिप पे, इस रोमांटिक रिलेशनशिप पे क्या होते हैं कि हम उस समय ये दुनिया को हम क्या करेंगे, केयर नहीं करेंगे। जैसे गाना है ना, मैं दुनिया बुला दूंगा, ये गाना है, इस तरह का हम क्या करेंगे, वो दुनिया को केयर नहीं करेंगे, हमको बस ये लड़की ही चाहिए, ये लड़का ही चाहिए, इस तरह का सिचुएशन में वो लोग रहेंगे। ठीक है, इतना मेहनत किया वो लोगों ने, भाग गया है, ठीक है ना, फिर दोनों शादी किया है, फिर 6 महीने हो गया शादी के बाद, 1 साल हो गया शादी के बाद, फिर क्या होगा उनको, क्या होगा कि एक दूसरे के जो कमियां है वो दिखाई देना शुरू। पहले उनको क्या होता है कि जो चीज खो चुके हैं वो चीज उसको सामने दिखाई देता है, लेकिन धीरे धीरे क्या होगा कि वो लड़की में उसको कमियां दिखाई देगा, लड़के में कमियां दिखाई देगा, इसी की वजह से क्या होगा कि वो दोनों का जो रिलेशन है वो पता चलेगा कि वो लड़की आएगा तो मैं संपूर्ण नहीं हो सकता, ये पता चल जाएगा, वो लड़के आएगा तो मैं भी संपूर्ण नहीं हो सकता, वो लड़की को पता चलेगा, फिर दो एक दूसरों के बीच में झगड़ा होना, ये सब होते हैं, फिर वो दोनों फिर वापस अपने मम्मी पापा के पास वापस आते हैं, ये अक्सर हम देखते रहते हैं लव मैरिजेस में। इसलिए समाज क्या है कि इस लव मैरिजेस को एंकरेज नहीं करती, क्योंकि वो दोनों के बीच में क्या है कि जो खो चुके हैं उसको पाने की इच्छा है, लेकिन एक मैच्योरिटी के साथ दोनों ने शादी नहीं किया, लव नहीं किया। तो हम भी क्या करते हैं कि बहुत सारे रिलेशंस, ऐसा रिलेशंस को हमारे जीवन में अट्रैक्ट करते हैं जो बचपन में खो चुके हैं। तो हमको याद रखना चाहिए कि कोई भी व्यक्ति है हमको कंप्लीट नहीं कर सकते हैं, हमारा माता पिता हमको कंप्लीट नहीं कर सकते, हमारा बीवी बच्चे, हमारा पति, हमारा लवर, हमारा फ्रेंड, कोई भी हमको कंप्लीट नहीं कर सकते, मेरे फ्रेंड्स याद रखिए। फिर कौन कंप्लीट कर सकते हैं आपको, आपको कौन कंप्लीट करेगा कि आपका परमात्मा। जिस समय परमात्मा के साथ जुड़ जाएंगे उसी समय आप कंप्लीट हो जाएंगे, जिस समय विश्वास के साथ जुड़ जाएंगे तब आप कंप्लीट हो जाएंगे, ठीक है। तो
जो स्वास्थ्य के साथ जैसे जुड़ेंगे महात्मा के साथ जुड़ जाएंगे, जो आत्मा के साथ जो कनेक्शन है, मतलब हम एक समुद्र के साथ कनेक्शन है, समुद्र से कितना प्यार आते हैं, हमको समुद्र का जैसा प्यार हमको हमेशा मिलता रहता है। उस समय हम एक बूंद बराबर का प्यार के लिए क्यों प्रार्थना करेंगे, उसके पीछे क्यों पड़े रहेंगे। जो पति से जो मिलता है, जो प्यार है, जो लवर से मिलता है, जो फ्रेंड से मिलता है, वो सभी प्यार है, हमको एक बूंद का समान है। लेकिन जो यूनिवर्स से, इस प्रकृति के द्वारा जो प्यार मिलता है, ये समुद्र का बराबर। लेकिन हम क्या करते हैं कि हमारे जीवन में प्यार करने के लिए हम पति के पीछे पड़ा रहते हैं, पति को मैनिपुलेट करेंगे, पति मेरे तरफ क्यों नहीं देख रहा है, दूसरा औरत को क्यों देख रहा है बोल के पति को फिर परेशान करेंगे। शाम को डेली 6 बजे आना चाहिए पति, आज 8 बजे क्यों आया, ये क्यों, ये बार में गया, अपना अपना फ्रेंड्स के साथ पार्टी क्यों किया है, आप अपना पति के साथ लड़ाई करेंगे, क्योंकि हर दिन वो पति क्या करते हैं, 6 बजे आएगा, कुछ बातें चित होते रहते हैं, इसको पति का तो एनर्जी मिल रही है, लेकिन पति आज क्या किया, अपना अटेंशन बीवी से छोड़ के कहीं बार में, कहीं क्लब में चला गया, ठीक है। और पति भी क्या करेगा, पत्नी है, पति का भी उसको अटेंशन में बदल गया, अभी जूम क्लासेस में जाना शुरू हो गया वो भी, ठीक है, कविता चड्डा मैडम का जो जूम क्लासेस में जाना शुरू हो गया, शाम को जब जैसे आते हैं उसके सामने बीवी दिखाई देता है, अभी बीवी क्या है कि उसका अटेंशन नहीं दे रही है, बीवी का इम्पोर्टेंस क्या हो गया, ध्यान इम्पोर्टेंट हो गया, पत्री जी इम्पोर्टेंट हो गया, ठीक है ना। तो पति क्या करेगा, पत्री जी को नफरत करना शुरू करेगा, ये बूढ़े आ गया, पता नहीं ये कहाँ से आ गया, हमको हमारा बीवी को लेके गया सोच के, ठीक है। क्योंकि हम क्या करते हैं कि पति का प्यार के लिए, पत्नी का प्यार के लिए हम हर दिन मैनिपुलेट करते रहते हैं, उसको दूसरों को फ्रीडम नहीं देते, दूसरों को कंट्रोल करेंगे और कंट्रोल करके वो रिस्ट्रिक्टेड लव चाहते हैं। लेकिन जब आप फ्रीडम देंगे तभी आपका बीवी आपको प्यार कर सकती है, जब आप फ्रीडम देंगे आपका पति को, वो जैसे चाहते वैसा रहेंगे, तभी आपका पति को प्यार आपको मिलेगा। लेकिन हम फ्रीडम तो देते नहीं है अपना पति को, पत्नी को, बच्चे को, बच्चे को तो रिस्ट्रिक्ट करके रखते हैं, बच्चे मूवी देखना चाहते हैं हम भेजेंगे नहीं है, बच्चे स्पोर्ट्स में जाना चाहते हैं आप भेजेंगे नहीं है, जाओ स्कूल जाओ, वही पढ़ाई करो जो बचपन में तुमको जो पढ़ाई कर रहा है, वही पढ़ाई तुमको अभी क्या कर रहे हो तुम, पढ़ाई पढ़ाई पढ़ाई, उसके पीछे बच्चे के पीछे पढ़ाई रहे, स्पोर्ट्स में जाने नहीं देते, उसे पसंद है स्पोर्ट्स में जाना। इस तरह का काम करेंगे तो क्या होते हैं कि आपका जीवन में दिक्कत आएगी, आप किसी को ये भी आप भीख मांगने की जरूरत नहीं है, पार के लिए आप भीख मांगना, हम किसी को भी भीख नहीं मांगना है, किसी को भी हम मांगना नहीं है, हम हमेशा लेने वाला, देने वाला रहना चाहिए, प्यार को लेने वाला नहीं रहना चाहिए। लेकिन हम देने वाला रहना चाहिए तो हमारा जो कनेक्शन है उस परमात्मा के साथ रहना चाहिए, जिस समय हमारा जो कनेक्शन परमात्मा के साथ रहेंगे हमेशा हम देने वाला रहेंगे। श्री कृष्ण है, श्री कृष्ण ने प्यार मांगा है कि प्यार दिया है उन्होंने, उन्होंने 16,000 गोपियाओं को प्यार बांटा है, उनके पास इतना प्यार है कि नहीं, लेकिन उन्होंने कभी गोपियाओं के पास जाकर मांगा नहीं है, उन्होंने हमेशा देने वाला रहे हैं, बुद्ध एक प्यार देने वाला रहे हैं, एक जीसस सबको प्यार देने वाला रहे हैं, वो कभी मांगा नहीं है। तो हम भी क्या करना चाहिए कि आज से क्या करेंगे कि हम किसी से भी प्यार को मांगेंगे नहीं है, हम क्या करेंगे प्यार देने वाला रहेंगे, जो भी लोग आपके पास आएंगे आप हमेशा देने के लिए रेडी रहिए, आपका अंदर से इतना करुणा भाव आना चाहिए कि हम ये दुनिया को पूरा अपना जो करुणा है, अपना जो मित्रता है, ये मित्रता को सबको बांटे। तो फ्रेंड्स ये है हमारा जो 3 आईना है। पहला जो आईना क्या है कि अभी इस प्रेजेंट मोमेंट में जो भी हमारा वाइब्रेशन से यही हमारे जीवन में रिलेशनशिप को अट्रैक्ट करेगा, द रिफ्लेक्शन इन द प्रेजेंट मोमेंट, दैट इज द फर्स्ट मिरर। सेकंड मिरर है द मिरर ऑफ जजमेंट, जो भी हम जजमेंट किया है हमारा सबकॉन्शियस माइंड में वही जजमेंट हमारे जीवन में वापस आएगा,
बहुत भयंकर रूप में आएगा। अब हम सोचेंगे कि इस समय में मैं तो सही हूँ, लेकिन मेरा जुर्म ऐसा क्यों आया है? दोनों उंगलियों को फंसा के रखिए, चश्मा निकाल के साइड में रखिए, अपना दोनों पैर को क्रॉस करके रखिए, आराम से स्थिर सुखासन में बैठ जाइए। जो नीचे बैठ के रहे वो लोग पालती मार के बैठ सकते हैं, जो कुर्सी में बैठे हैं वो लोग भी आराम से बैठ जाइए। आंखें बंद करके अपने उच्छ्वास और निश्वास के साथ रहिए, हमारे नाक के अंदर चलने वाली उस उच्छ्वास और निश्वास के साथ रहिए। अंदर जाते हुए श्वास, बाहर निकलते हुए श्वास, बस उसी के साथ रहिए। लगातार श्वास के साथ रहेंगे अगले 20 मिनट। अभी हम सब लोग उस परमात्मा के साथ जुड़ जाएंगे, जैसे श्वास के साथ रहेंगे यही परमात्मा के साथ जुड़ जाएंगे, तो आपको अनंत शक्ति, अनंत प्यार आपका अनुभव में आएगा, अनंत ऊर्जा। आज का दिन ध्यान का दिन है, आज से होंगे हर एक दिन निश्चित रूप से ध्यान। ध्यान हमको स्वस्थता देती है, शक्ति देता है, ज्ञान देता है, सब कुछ देता है। स्वास्थ्य से जुड़ी रही है, इस मिनट तक कोई भी आंकड़े को नहीं, जब मैं ओके बोलूंगा तभी आंकड़े को नहीं।
Thank you.
5, 4, 3, 2, 1, 0. Okay, masters, you can open your eyes slowly, slowly. After the moment.
अपना दोनों हाथों का अपना दोनों आंखों पर रखिए, धीरे धीरे दोनों हाथों को निकालते हुए आंखें खोलिए। तो मास्टर्स, हम मेडिटेशन करने के पहले हम इस सात आइना के बारे में बात किया है। सात आइना में तीन आइना तो हम डिस्कस कर चुके हैं। पहला आइना ये बताते हैं कि अभी इस प्रेजेंट मोमेंट में जो भी वाइब्रेशंस रहेगा उसके हिसाब से हमको उस तरह का व्यक्ति हमारे जीवन में एंटर करेंगे। सेकंड आइना है, ये क्या बात करते हैं कि हम जो भी जजमेंट्स किया है ये वापस आएगा हमको। तीसरा आइना है, जो बचपन में जो हो चुके हैं वही चीज़ हम बड़ा होने के बाद हम अट्रैक्ट करेंगे। ये तीन आइना हम जानकारी कर चुके हैं। और चौदह आइना है, इसके बारे में हम जानकारी करेंगे। यह है द मिरर ऑफ अनफॉरगॉटन लव। दैट मीन्स क्या है कि ये मिरर है हमको पास्टलेस के दर्शाता है, पिछले जन्मों के। तो हम जो भी हमारा पास्ट लाइफ में जो भी चीज़ छोड़ के आया है, जो इश्यू हमारा हील नहीं हुआ है, वो चीज़ हमारे जीवन में आएगा। जो पिछले जन्मों में वो रिलेशन सेटल नहीं हुआ है, तो हमको क्या होगा कि इस जन्म में जब तक वो रिलेशन सेटल नहीं होगा, वो दोनों के बीच में एक मित्रता एक प्यार नहीं आएगा, तब तक क्या होगा कि हम हमारा जो रिलेशनशिप है वो कंटिन्यू होता रहेगा। हम सपोज किसी व्यक्ति को हम द्वेष किया है, तो जब तक हमारा जो द्वेष है वो प्यार के रूप में बदलेंगे नहीं है, तब तक क्या होगा कि हम सब लोग मिलके एक ही परिवार में पैदा होता है। कभी कभी बीवी बच्चे, कभी बीवी का जैसा, कभी बच्चे का जैसा, कभी बहन का जैसा, कभी भाई का जैसा हमारे जीवन में आते रहते हैं। एक लड़की है, वो लड़की ने पिछले जन्म में एक जंगल में पैदा हुई है, एक ट्राइबल फैमिली में पैदा हुई है। उस देश का राजा था, उस समय राजा का जमाना था। उस जन्म में उस राजा उस जंगल में आके इनको देख के इनको पसंद किया। इसके बाद वो राजा बताया है कि मैं तुमको शादी करूंगा, इस तरह प्रॉमिस भी किया है। फिर उसके बाद राजा बताया है कि उसको प्रेग्नेंट किया उस लड़की को, और बोला है कि मैं तुमको वापस आऊंगा, तुमको शादी करूंगा। और वो जो राजा वापस चला गया, फिर वापस आया नहीं। तो वो लड़की ने वो राजा वापस आएगा 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 वेट किया, लेकिन वो राजा तो आया नहीं। तो उनके अंदर क्या रहेगा, उनके अंदर यह रहेगा कि मैं धोखा खा चुका हूँ, ये मर्द को हम बिलीव नहीं करना चाहिए, इस तरह का एक विश्वास उनके अंदर रह गया। उसी समय में उनको सांप काटे हैं और मौत हो गया। इसी की वजह से अभी उन्होंने इस जन्म में जन्म लिया है। अब इस जन्म में वो जब भी क्या करते हैं कि उनको जब भी कोई मैरिज प्रपोजल आते हैं, कॉलेज टाइम में उनको लव प्रपोजल आया है, किसी से भी प्यार करना, किसी को भी शादी करना वो पसंद नहीं कर रही है। अभी 25 साल की उम्र आ गया, 30 साल की उम्र आ गया, मम्मी पापा तो परेशान है ये लड़की को शादी कैसे करें, लेकिन लड़की तो हमेशा शादी करने के लिए रेडी नहीं है। ऐसा क्यों है? जब वो इस तरह का उनको उस लड़की को इस तरह के जूम सेशन में लेके आ गया, ठीक है ना, हमारा प्रगति बैठक के सेशन में लेके आ गया लोगों ने, तब वो लोगों ने फिर ध्यान करना शुरू किया वो लड़की ने। जब उन्होंने जब 2 घंटा 3 घंटा ध्यान करना शुरू किया, तब क्या हुआ था कि उनको पता चला एक जन्म देखकर दिखाई दिया। उस जन्म में उन्होंने देखा है कि इस तरह का सिचुएशन हुआ है। तब उन्होंने पता चला कि क्या पता चला कि एक लड़का धोखा दे के चला गया, मतलब सभी लड़के तो धोखा नहीं देते हैं, तो हम इस तरह का विश्वास के साथ नहीं रहना चाहिए, ये उनको पता चला। और उसके बाद उन्होंने क्या किया, उस रिलेशनशिप जो भी उन्होंने उस जन्म में जो चीज़ कैरी करके लेके आ रही है, उस चीज़ को अभी उन्होंने हीलिंग किया।
अब इसी की वजह से क्या हुआ कि ये जन्म में उनका जो दूसरा प्रति, जो दूसरा मर्द के प्रति जो भी भावना है, वो भावना अभी उनका हीलिंग हो गया, ठीक है ना। तो यह है हमारा पिछले जन्मों में जो भी हम कैरी करके आ रहा है, यह भी हमारा साथ रहेगा, एक आईने के जैसा है। और एक लड़की है, 8 साल की लड़की है, वो क्या करती है कि वो सभी औरत सभी मर्द को पसंद नहीं करती। एक 8 साल की लड़की अपने पापा को भी नज़दीक आने नहीं देती है, अपने भाई को भी नज़दीक आने नहीं देती है, इतना द्वेष करती है सभी मर्द को। एक 8 साल की लड़की के क्या द्वेष करना। जब देखा गया उसको पास्ट लाइफ में लेके गया था, तब पता चला कि वो लड़की ही पिछले जन्म में गैंग रेप हुआ था, इसी की वजह से उनको इस जन्म में सभी लड़के को नफरत करती है। जो गैंग रेप हुआ, एक लड़की का मन कैसे रहते हैं आप जानते हैं, इसलिए वो नफरत करती है, ये जानकारी हो गई। जब उसको उस चीज़ से उनको रिलीज किया, तभी वो सबके साथ रहना शुरू किया। तो ये सभी रिलेशन है हमको पिछले जन्म में, जो चीज़ है हमको जो छोड़ के आते हैं, सभी चीज़ हमको इस जन्म में हम कैरी करके आते हैं। तो हम इस चीज़ के बारे में जानने का जरूरत है, हमको पहचानने का जरूरत है। हमारे एक पिरामिड मास्टर है श्रीकांत, हैदराबाद से हैं वो। उनका क्या होते हैं कि उनका अपना पापा से पढ़ते नहीं, उनके पापा से हमेशा पापा इसको डांटते रहते हैं, ये भी वो पापा कुछ भी कहेंगे ये उल्टा बताना शुरू करते हैं, इसको वजह से दोनों झगड़ा होते हैं। बचपन में तो वो पापा तो हमेशा पिटाई करते थे इसको, लेकिन अभी बड़ा हो गया है तो ये दोनों के बीच में हमेशा आर्ग्यूमेंट्स होते रहते हैं। तो जब पापा रहेगा तो बेटा नहीं रहेगा, बेटा रहेगा तो पापा नहीं रहेगा, इस तरह की सिचुएशन हो गया दोनों घर में। तो उसी सिचुएशन में ये श्रीकांत ने अपना मेडिटेशन पे आना और उसको देखा है कि पिछले जन्म में देखा है तो 10 जन्मों से ये दोनों का जो रिश्ता है वो चलते रहा है। एक जन्म में वो ये पापा बन गया तो उसका पापा बेटा बन गया, ये जन्म में वो पापा बन गया तो ये बेटा बन गया, इस तरह का 10 जन्मों से चल रही है। तो ये कब रिश्ता बंद हो जाएगा, जब कब बंद हो जाएगा कि ये दोनों को एक दूसरे को जब अंडरस्टैंडिंग हो जाएगा तभी हो जाएगा। अभी इस जन्म में कौन किसको माफ़ी देना चाहिए, जिसको जो पिछले जन्म देखा है, जो ध्यान किया वो पहले बदलेगा तो दूसरा बदलेगा। तब इन्होंने सोचा था कि यस मैंने गलती किया, मेरे पापा को परेशान किया पिछले जन्मों में, इसी की वजह से मेरे पापा भी परेशान कर। फिर उन्होंने क्या किया कि अपना पापा को दो माफ़ी दे दिया, ठीक है, तो माफ़ी दे दिया। फिर घर में आ गया, फिर घर में आने के बाद पापा तो फिर तुरंत चेंज नहीं आएगा ना, वो पापा फिर उसको देखते फिर उसको गाली दिया। फिर हमेशा ये रिएक्ट करते हैं, लेकिन इस बार क्या किया इन्होंने, रिएक्ट करना बंद किया, पापा गाली दिया फिर भी उन्होंने चुपचाप। फिर एक हफ्ता रहा घर में, अब पापा कितना देर तक गाली देता रहेगा, ये रिएक्ट नहीं करेगा तो कोई बंदा सामने चुपचाप रहेगा तो दूसरा बंदा कितना गाली देगा। एक हफ्ते के बाद में क्या हुआ था कि ये दोनों के बीच में एक साइलेंस हो गया, घर में बात तो नहीं कर रहा है, एक साइलेंस हो गया। एक महीने के बाद क्या हुआ था कि एक दूसरे के साथ बैठ के खाना खाने की स्थिति तक आ गया, ठीक है, बात तो नहीं कर रहा था। एक महीने के बाद सडनली क्या होगा कि पापा का एक बार रात को समय में हार्ट अटैक आ गया था। फिर उन्होंने तुरंत एम्बुलेंस को बुला के हॉस्पिटल में ज्वाइन करके उनके पापा को सर्विस किया। फिर उसके बाद ये उनके पापा और ये अभी दोनों के बीच में एक अच्छा दोस्ती हो गया, एक अच्छा रिलेशन हो गया। ये क्यों हो गया, क्योंकि उनका जो बेटा है ध्यान करके अपने पापा को माफ़ी दे दी, इसी वजह से, ठीक है। यह है फिफ्थ मिरर है। फिफ्थ मिरर मतलब क्या है कि द मिरर द रिलेशनशिप विथ अवर फादर मदर। जो फादर मदर का साथ रिलेशन है, ये क्रिएटर का साथ रिलेशन रहेगा। हम इस दुनिया में आए हैं माता पिता के सहारा में, अगर माता पिता नहीं है तब कैसे आ सकते हैं। तो हमारे लिए भगवान पहले कौन है कि हमारा माता पिता है। तो हमको जब तक हमारा माता पिता के साथ अच्छा रिलेशन नहीं रखेंगे, अपना माता पिता को प्यार नहीं करेंगे, हम किसी दूसरों के साथ प्यार नहीं कर सकते। तो हमारा जो अच्छा रिलेशन होना चाहिए अपना माता पिता के साथ, हो सकते हैं वो लोग आपको जो पढ़ाई आप करना चाहते हो पढ़ाई नहीं दिया है,
उनका गरीबी की वजह से, वो लोग आपको परेशान किया होगा बचपन में, आपको ठीक से देखा नहीं होगा, जो प्यार मिलना चाहिए आपको माता पिता से वो नहीं मिला होगा, वो पापा हमेशा दारू पी के आपको जो जिम्मेदारी निभाना चाहिए वो निभाना नहीं किया होगा। लेकिन आपको कहना चाहिए कि आपको माता पिता को साष्टांग नमस्कार करना चाहिए, क्योंकि उस माता पिता को चुनके कौन आया है, हम ही तो चुनके आया धरती में आने के पहले, आप मेरा माता पिता रहो, आपके द्वारा मैं आना चाहता हूँ, तो हम खुद उनको चुनके आया है, तो हम उनको जब तक माफी नहीं देंगे तब तक हमारा रिलेशन सही नहीं रहेंगे। जिस समय हमारे मम्मी पापा के साथ अच्छा रिलेशन रहेंगे तभी हमारा ये क्रिएटर के साथ रिलेशन अच्छा रहेगा। तो फ्रेंड्स क्या करना चाहिए कि हमारा माता पिता, हमारा माता के साथ जो भी उनका लाइन में आते, उनका जो नाना है नानी है और उनका जो परदादा है, उस सात जनरेशन में जो लोग होते हैं और फादर का जितना भी सात जनरेशन जो लोग होते हैं, एक दिन क्या करना, ध्यान में सब लोगों को इन्वाइट करके उन सब लोगों को आप धन्यवाद दे दीजिए, उनको साष्टांग नमस्कार कीजिए, क्योंकि आप लोग की वजह से मैं मेरा ये शरीर आया है। जिस समय उनका आशीर्वाद आपको मिलेगा, उनको ब्लेसिंग्स आपको मिलेगा, तभी आपका जो भी जो एंसेस्ट्रल जो कर्मा होती है, आपका जो परिवार के साथ जो कर्मा होती है, ये कर्मा आपका ठीक हो जाएगा। तो जो भी बीमारियां हमारे माता पिता से हम कैरी करके आ रहा है, जो भी हमारा नाना से हमारा जो परिवार में जो था वो बीमारी को लेके आया और उनका जो बिहेवियर को हम इस जन्म में लेके आया कैरी करके आ रहा है, ये सभी हमारा हीलिंग हो जाएगा जिस समय आप अपना पूरा परिवार का साथ आप उनको इनवाइट करके उनके साथ आप माफी मांगेंगे, ये सब कुछ क्लियर हो जाएगा। इसको कहते हैं एंसेस्ट्रल हीलिंग, ठीक है। ये एक्सरसाइज आप एक दिन कीजिए। जिस समय आपका माता पिता के साथ अच्छा रिलेशन हो जाएगा, आपका क्रिएटर के साथ भी आपका अच्छा रिलेशन हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये है हमारा फिफ्थ मिरर है, तो अभी बचा है और दो मिरर बचा है। कविता मैडम समय है, अभी तो हमारा टाइम हो चुके, 4:30 बजे हो गया, अब तो 4:30 बजे तक टाइम दिया है, तो मास्टर साहब चाहते हैं आपके पास समय हो तो। यस मैडम, अगर आपके पास समय हो तो बताइए, नहीं तो हम कल भी कंटिन्यू। मेरे पास तो समय, मेरे पास तो समय है, लेकिन लोगों के पास है कि नहीं है? यस सर, जरूर बताइए। ठीक है कंटिन्यू सर। तो हमारा जो छठवां मिरर है ये है कि द मिरर ऑफ डार्क नाइट ऑफ द सोल। डार्क नाइट ऑफ द सोल मतलब क्या है कि हम क्या करते हैं कि हम ध्यान का रास्ता में आने के बाद 4 साल हो गया, 5 साल हो गया, हम सोचेंगे कि हम बहुत अच्छा आदमी है, हम सबको ध्यान सिखा रहे हैं, हम बहुत अच्छा आदमी सोचते हैं, लेकिन हम क्या है कि हमारा दूसरा साइड में हमारा जो डार्कनेस है उसको हम देखते नहीं हैं, हम उसको एनालिसिस नहीं करते, हम एक मास्क पहन कर रहते हैं समाज में, अपने परिवार में लोगों के साथ क्या करते हैं कि हम एक मास्क पहन के अच्छा आदमी जैसा एक एक्टिंग करते हैं। ये हमारे जीवन में क्या होते हैं कि बहुत दिक्कत फेस करेंगे, क्योंकि जितना आप ध्यान करते रहेंगे, लाइट के से करेक्टर रहेंगे, उस समय क्या होते हैं कि जो आपका अंदर जो डार्कनेस है वो रिलीज होना चाहती है, ठीक है। लेकिन हम जब उस डार्कनेस को रिलीज नहीं करेंगे तो आपके जीवन में बहुत परेशानी आएगा। आप अपने डार्कनेस के साथ दोस्ती करना चाहिए, आपके अंदर जो छुपा हुआ एक विलन को आप प्यार करना चाहिए, उसका एक्सेप्ट करना चाहिए, ठीक है ना। अगर आपका आपके अंदर गुस्सा है, नो प्रॉब्लम, गुस्सा को दिखाइए, लोग क्या सोचेंगे, आपको क्या लेना देना है। आपके अंदर द्वेष है, नो प्रॉब्लम, दिखाइए। आपके अंदर जलसी है, ईर्ष्या है, दिखाइए लोगों के सामने। हम बहुत हमारा भीतर में बहुत सारे रहते हैं, बहुत सारा अच्छा रहेंगे, ठीक है, हमारे अंदर में भी एक विलन बैठा रहेगा। इस चीज़ को हम क्या करते हैं, अभी तक क्या है कि छुपा के रखते हैं, अभी हम इस चीज़ को बाहर आने का, लेके आके इसको हील करने का जरूरत है। अगर नहीं करेंगे तो क्या होगा कि हमारे लाइफ पे बहुत असर पड़ेगा, इसका इफेक्ट है। इसको कहते हैं डार्क नाइट ऑफ द सोल, जिसको हर एक व्यक्ति फेस करेंगे अपना लाइफ पे। बहुत कम व्यक्ति है स्वप्न के द्वारा इसको क्लियर करेंगे, लेकिन बाकी लोग हैं
इसको फेस करना ही पड़ेगा हमको। ठीक है, इसके बारे में आपको एक कहानी बताऊंगा। चार ध्यानी है, ठीक है, मोक्ष का रास्ता में चल पड़े, ठीक है, उनको मोक्ष चाहिए, इसलिए वो लोग क्या किया है कि विधि मैडम का जूम सेशन में ज्वाइन कर दिया, उनको मोक्ष चाहिए बोल के, ठीक है। तो इसका कहानी के रूप में भी बताऊंगा और इसका हमारा विधि मैडम का सेशन के साथ भी बताऊंगा। और ये चार लोगों ने फिर क्या किया था कि उनको एक पहाड़ को पार करना चाहिए, पहाड़ पार करेंगे तो मोक्ष मिलेगा। फिर वो चार लोगों ने चल पड़े हैं रास्ता में, बात करते हुए चलते पड़ा, उसके सामने एक सांप आ गया। वो सांप बोला है कि अभी मैं तुम लोगों को छोड़ूंगा नहीं, मैं तुमको काटूंगा। फिर इसमें चार लोगों में एक बंदा है, वो देखा है, कह रहे सामने सांप सामने आ गया, ये मोक्ष दीक्ष नहीं चाहिए मुझको, अभी मेरे घर में रहेगा सब कुछ सही रहेगा, सोच के उन्होंने भाग गया वापस। ठीक है, तो कुछ लोग क्या करते हैं कि हमको मोक्ष चाहिए बोल के आएंगे क्लास में, लेकिन इधर आने के बाद वो सोचेंगे कौन इतना देर के लिए ध्यान बैठेंगे, ठीक है ना, और ये तो विधि मैडम हमेशा परेशान करती रहती है, ध्यान करो करो बोल के। और जो सेशन में आते हैं पता नहीं है रामराज कौन है, ये बंदा दिखने के लिए अच्छा नहीं लग रहा है, ये काला सा आदमी है, साउथ इंडिया है, इसको विश्वास नहीं करना चाहिए इसको, ये क्या क्या बात करते पता नहीं है, ये जो गुरु है वो गुरु भी देखने के लिए सही नहीं लग रहा है, हमारा गुरु जैसा नहीं है। और दूसरा गुरु जो आया है वो सिगरेट पीते हैं, मैं सुना हूँ सिगरेट और दारू पीते हैं, वो कैसे ध्यान सिखा सकते हैं, इस तरह उनके अंदर कुछ कोई भर के रखा है, कोई बातें उनको हुआ है। तो वो लोग क्या करेंगे, ध्यान के रास्ते में आते ही वो क्या होंगे, वो लोग चले जाएंगे, वापस चले जाएंगे, क्योंकि वो सांप जैसा है उनका लाइफ पे, प्रॉब्लम्स आते ही भाग जाएंगे, कुछ सुनेंगे उसको भाग जाएंगे। और तीसरा तीन व्यक्ति है, ये तीन व्यक्ति चल पड़े हैं और मोक्ष के रास्ते में, और थोड़ा आगे बढ़ने के बाद और वो ही सांप आया उसके सामने मारने के लिए। फिर उसमें से तीसरा व्यक्ति देखा है कि अरे यार ये सांप तुम कहाँ से आ गया, तुम मेरा फ्रेंड को भगा दिया, तुम हमको हमारा रास्ते में वापस आया, अभी तुमको हम छोड़ूंगा नहीं बोल के। वो तो तीसरा व्यक्ति क्या किया, अपना चाकू निकाला सांप को मारने के लिए, इन्होंने चाकू निकालने के पहले ही वो सांप उसको काट लिया, इसका मौत हो गया। तो कुछ लोग क्या करेंगे कि वो व्यक्ति आके हमारा जो सेशन को चला नहीं दे रहे, हमारा सेशन अच्छा चल रही है, हमारा ग्रुप अच्छा चल रहा था, अच्छा चलने वाला ग्रुप को क्या किया है, वो बंदे आके हमको तरह तरह कहानी बता के, पत्री जी के बारे में, रामराज जी के बारे में कुछ बता के, ये लोग हमारा कुछ ध्यानियों को हटा दिया, ठीक है। तो इस व्यक्ति को हम रखने नहीं देंगे बोल के आप उस व्यक्ति को आप ग्रुप से हटाने के लिए कोशिश करेंगे, तो क्या होंगे, आपको आपको दिक्कत होंगे, और वो लोग आपको ग्रुप को भी पूरा तोड़ देंगे, ठीक है। इस तरह का सिचुएशन तो ऋधिक जी के साथ नहीं हुआ है, उनका भी अनुभव नहीं हुआ ना, तो इस तरह के सिचुएशन होते हैं हमारा लाइफ में, ठीक है। नेक्स्ट और बचा, कितना लोग बचा है, दो लोग बचा है, ये दोनों चले हैं अभी मोक्ष के रास्ते में, और थोड़ी देर के बाद और सांप आ गया उनके सामने। उसमें से एक व्यक्ति देखा, अरे ये सांप को बचपन से उनका प्यार नहीं मिला लग रहा है, माता पिता का प्यार नहीं मिला, उसको लव नहीं मिला है, इसका गर्लफ्रेंड नहीं है जैसे लग रहा है, इसी की वजह से ये सबका गुस्सा होके सबको मार रही है, काट रही है, अभी मैं सांप को मैं हीलिंग करूंगा सोचा, ठीक है। उन्होंने प्राणिक हीलिंग करना शुरू किया, उसको रेकी करना शुरू किया सांप को, सांप देखा कि ये बंदा कौन है, उसको हीलिंग करना सोचा। थोड़ी देर के बाद उन्होंने हीलिंग लेता हुआ है जैसा लगा, थोड़ी देर के बाद वो सामने उसको काट दिया, तो तीसरे व्यक्ति का भी क्या हो गया, मौत हो गया। तो हम क्या करेंगे, प्रॉब्लम्स को हीलिंग करने के लिए कोशिश करेंगे सरफेस लेवल में, वो प्रॉब्लम जाएगा नहीं है, और है कि कितना बंदा, एक ही बंदा, और एक ही बंदा भी चलते रहा, ठीक है ना। और थोड़ी देर के बाद फिर वो सांप आ गया, सामने आ गया, जैसे वो सांप सामने आ गया, वो बंदा क्या किया था कि फिर उन्होंने जो भी विधि मैडम का जो जूम सेशन में जो क्लासेस चल रही है, वो हर दिन वो क्लासेस अच्छा अटेंड करते हो,
फिर उन्होंने क्या किया कि जब भी प्रॉब्लम सामने आते हैं हमको क्या करना चाहिए, स्वास्थ्य के साथ जुड़े रहना चाहिए। फिर क्या किया, जैसे सांप सामने आ गया स्वास्थ्य के साथ जुड़ गया वो, ठीक है ना, वो स्वास्थ्य के साथ रह गया और उन्होंने पत्री जी को याद किया, पत्री जी उसको बचाइए बोलकर उन्होंने रख दिया। तुरंत ही क्या हुआ था कि जैसे उन्होंने पत्री जी को याद किया स्वास्थ्य के साथ रह गया, तो उसी समय क्या हुआ था कि आकाश में एक चील घूम रही है, ठीक है ना, वो चील देखा है कि इस बंदे के सामने एक सांप बैठा है, वो चील नीचे तुरंत आके उस सांप को पकड़ के चला गया, ठीक है ना, तो वो प्रॉब्लम से बाहर आ गया वो बंदा, ठीक है ना। तो जब भी हमारा लाइफ में कुछ प्रॉब्लम आते हैं हमको क्या करना चाहिए, उस समय स्वास्थ्य के साथ रह गया या शिरडी बाबा को याद किया या शिव जी को याद किया, तो उस समय के लिए प्रॉब्लम चले जाएगा, लेकिन वो परमानेंट नहीं है। फिर ये बंदा है फिर और सोचते हुए आगे बढ़ा, अरे ये प्रॉब्लम्स आते आ कहाँ से आ रहा है, इस तरह के सोचते हुए आगे बढ़ा और थोड़ी देर के बाद क्या है कि और एक सांप आ गया, इस बार और बड़ा सा सांप आ गया। वो बोला कि मैं तुम, वो जो सांप चला गया ना उसका दोस्त हूँ मैं, उसको तुम मरवा दिया, अभी मैं तुमको छोड़ूंगा नहीं, बोला। फिर तुरंत उन्होंने क्या किया था कि वो सांप के पास पहुंच गया, पहुंच के हे सांप तुमको क्या चाहिए, तुमको क्यों तुम्हारा मेरा पीछे पड़े हो, इस तरह का सवाल पूछा, मेरा रास्ते में तुम आया क्यों है। जब इस तरह का जब उन्होंने पूछा तब वो सांप ने बोला है कि मैं तुम्हारा बाहर का सांप नहीं हूं, मैं तुम्हारा भीतर का प्रॉब्लम हूँ, तुम्हारा भीतर में बहुत सारा सांप छुपा हुआ है, बहुत सारा प्रॉब्लम्स है, लेकिन उससे तुम बात करने का जरूरत है, उसको हीलिंग करने का जरूरत है, लेकिन तुम उससे बात नहीं करते, उसको हीलिंग नहीं करते, इसी की वजह से मैं बाहर का सांप के रूप में आकर तुमको परेशान कर रहा हूँ, ठीक है। तो हम भी क्या करना चाहिए, हमारे लाइफ में जो प्रॉब्लम्स आते हैं उससे बात करना चाहिए, आया क्यों है इस लाइफ इस टाइम पे, ये बंदा परेशान क्यों कर रहा है, इस तरह सिचुएशन बार बार मेरे लाइफ में क्यों आ रही है, इसके बारे में जब आपको क्वेश्चन करेंगे तब क्या होते हैं कि आप झड़ में जाके इसका सिचुएशन, इसका जो सॉल्यूशन है आप पा सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो हमको क्या करना चाहिए कि हमारे अंदर के जो डार्कनेस है इसको हम बात करना चाहिए। एक मिनट मास्टर, अभी चार्जिंग में रखूंगा लैपटॉप को। तो फ्रेंड्स ये है हमारा सिक्स्थ मिरर है, छठवा आईना है, ये क्या है कि द डार्कनेस ऑफ द डार्क नाइट ऑफ द सोल। नेक्स्ट सातवां मिरर है, यह है हमारा स्वीय प्रेम का, सेल्फ लव का बारे में ये मिरर है। जब हम अपने आप को जब प्यार नहीं करेंगे तब क्या होते हैं कि हमको हमारे सामने जो लोग आते हैं हमको उसी तरह ट्रीट करेंगे, जो हम अपने आप के साथ कैसे ट्रीट करेंगे वही जैसा जो सामने बंदे ट्रीट करेंगे। हम अपने आप को नालायक समझेंगे तो सामने बंदे भी हम नालायक समझेंगे। हम अपने आप को कुछ नहीं कर सकते, हम एक आम आदमी है, हम अपना ड्रीम को फुलफिल नहीं कर सकते सोचेंगे तो सामने बंदा भी ऐसा करेंगे। जनरली देखिए हमारे घरों में जो काम करते हैं जो मेड्स होते हैं उन लोगों को सेल्फ इमेज कम होते हैं, तो वो लोग देखते ही उन लोगों को जो घर का जो मालकिन क्या करेगा उसको गाली देगा, उससे बहुत काम करवाएगा। वो जो लड़की आई है जो हाउस मेड है वो भी क्या सोचेगा कि मैं कम कास्ट का हूँ, ठीक है ना, इसी की वजह से मेरा मालकिन इस तरह का गाली दे रही है, मैं नालायक हूँ, मैं ज़्यादा पैसा कमा नहीं सकता हूँ, ये मालकिन महान है, वो बड़ा कास्ट में पैदा हुआ है, उसके पास पैसा ज़्यादा है, इस तरह का अपने आप को वो कम समझती है, इसी की वजह से इसको सामने जो मालकिन है उसको कैच करके उसको गाली दे रही है। लेकिन जो घर में काम करने वाली लड़की है अगर ध्यान कर सकती है वो सोचेगा कि हो सकते हैं इस जन्म में मैं गरीब परिवार में पैदा हुआ हूँ,
मैं हाउसमेड हूँ, लेकिन मैं भी भगवान हूँ, मेरा मालकिन भी भगवान है। इस तरह वो अपना सेल्फ इमेज को रखी है, तो उस समय क्या होते हैं कि वो इस तरह के इमेज के साथ वो जाती है, तो सामने जो मालकिन है उसको हिम्मत भी नहीं होती है कि इसको कुछ गाली देने, क्योंकि वो जो लड़की वो सोच रही है कि मैं भी भगवान हूँ, तुम भी भगवान है, तो उस समय कौन आपको गाली दे सकते हैं? नहीं दे सकते। उस समय क्या है कि आप फ्रेंडशिप के साथ रहेंगे, आप अपना मालकिन के साथ फ्रेंडशिप के साथ रहेंगे। एक व्यक्ति है, एक मैरिज पार्टी में चला गया, वो ये सोचते हुए चला गया कि मेरा जो ड्रेस है वो सही नहीं है, मैं जो कोट पहना हूँ ये बाकी साथ ये मैच होगा कि नहीं है, मैं गरीब हूँ ना, ये लोग मुझको रिसीव करेगा कि नहीं है, इस तरह का सोचते हुए मैरिज पार्टी में चला गया। तो उधर के लोग भी क्या करेंगे कि इसके थॉट्स की वजह से क्या करेंगे कि इसको ठीक से ट्रीट नहीं करेंगे, इसको ठीक से वेलकम नहीं करेंगे। लेकिन एक व्यक्ति है, उसका कपड़ा सही नहीं है, लेकिन वो सोचेगा कि मैं तो महान आत्मा हूँ, ठीक है ना, तो मैं उस जगह पे जा रहा हूँ, तो मेरा मैं जाना है तो उस जगह पे वो लोगों के ब्लेसिंग से, इस तरह के व्यक्ति के उस तरह का वो जा गया है, अपना सेल्फ इमेज रखते गया, तो उसको देखते सब लोग क्या करेंगे कि उसको स्वागत करेंगे, उसका अच्छा इम्पोर्टेंस देंगे, ठीक है। और पत्री जी है, वो बड़ा बड़ा कपड़ा पहन के जाते नहीं है, वो उतना फैंसी कपड़ा पहन के जाते, नॉर्मल पहन के चले जाते हैं पत्री जी। पत्री जी जाते हैं, सब लोग क्यों इतना इम्पोर्टेंस देते हैं, उनको स्वागत करते हैं, क्योंकि पत्री जी मैं परमात्मा समझते हैं, उसके साथ रहेंगे, इसी वजह से सब लोग उनको इज्जत देते हैं। लोग क्या है कि उनके कपड़े के द्वारा, उनके स्टेटस के द्वारा, उनको जो पहना हुआ गहने के द्वारा इम्पोर्टेंस नहीं देते हैं, हमारा थॉट्स के द्वारा इम्पोर्टेंस देते हैं। हमारा थॉट्स और फीलिंग्स हमारा द्वारा क्या होते हैं, ये हमेशा आउटसाइड में प्रोजेक्ट होती है, इसी के हिसाब से सामने बंदे हमको प्यार करना शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, हम अपना अपने आप के साथ जो प्यार के साथ रहना बहुत इम्पोर्टेंट है हमारे लिए, यह है हमारा सातवां आईना है। तो इस आईने के द्वारा हम अपना लाइफ का हमेशा एनालाइज करना चाहिए, उसी समय हमको पता चलेंगे कि ये सब रिलेशनशिप आया क्यों है, इससे कैसे हील कर सकते हैं, ये हम जान सकते हैं। तो पहला आईना है, ये है फर्स्ट मिरर इज द रिफ्लेक्शंस एट द प्रेजेंट मोमेंट, दिस इज द फर्स्ट मिरर है। सेकंड मिरर है द मिरर ऑफ जजमेंट, और थर्ड मिरर है द मिरर ऑफ लॉस्ट, और फोर्थ मिरर है द मिरर ऑफ अनफॉरगॉटन पास्ट, और उसके बाद फिफ्थ मिरर है द मिरर विद अवर फादर मदर और क्रिएटर, और सिक्स्थ मिरर है द मिरर ऑफ द डार्क नाइट ऑफ द सोल। नेक्स्ट सेवंथ मिरर है द मिरर ऑफ सेल्फ लव। ये सेवन मिरर्स को अच्छी तरह स्टडी कीजिए आप, अच्छा एग्जाम्पल देखिए, मैं बहुत कम एग्जाम्पल दिया हूँ समय का कमी की वजह से, लेकिन आप भी अपना लाइफ को आप ऑब्जर्व करेंगे, अपना पूरा बाहर दुनिया को देखेंगे, सब दुनिया में सबका रिलेशनशिप का प्रॉब्लम क्यों हो रहा है, कि ये सात मिरर से आपको पता चलेगा, सब लोगों को प्रॉब्लम्स इसी में होते हैं। तो जब इसको हील करेंगे ऑटोमेटिकली, जब अपना साथ अच्छा रिलेशन अच्छा मेंटेन करेंगे, क्रिएटर के साथ अच्छा रिलेशन मेंटेन करेंगे, बाकी सभी जो रिलेशन है अच्छा हो जाएंगे। तो अच्छा ध्यान कीजिए, आप अवेयरनेस के साथ रहिए ऐसा क्यों हुआ है, ऑटोमेटिक आपका जो रिलेशन सबका अच्छा हो जाएगा। तो इतना कहते हुए आज ये अच्छा मौका मिला है मेरे लिए, ये मेरा सौभाग्य है कि आज का जो पहला दिन ही आज नागपुर में आपके साथ मेरा जो ज्ञान है शेयर करने का मौका मिला है, आप सब लोगों को धन्यवाद देना चाहता हूँ। थैंक यू सो मच मास्टर्स, और किसी के कुछ सवाल है तो पूछ सकते हैं। हो गया मैम, कुछ सवाल पूछना है तो प्लीज हैंड रेस कीजिए। सर एक क्वेश्चन मैं पूछ सकती हूँ? यस मैडम, यस सर। सेवन मिरर सेवन चक्रास से भी रिलेटेड रहते हैं क्या? नहीं है, इससे कोई रिलेशन नहीं। सेवन मिरर्स आईना है हमारे जीवन में, हमारे भीतर में जो है वो हमको आईना के जिस हमारे जीवन दिखाते हैं। गीता खन्ना का हैंड रेस है। हाँ जी सर,
सर नमस्कार, गीता कोलकाता से। नमस्ते मैडम। सर अच्छा मौका मिला। यस खन्ना सोचेगा तो कौन है, मैं सोच रहा हूँ। हाँ तो ओब्रॉय के नाम से हम जानते हैं। ओब्रॉय के नाम से, यस सर। सर अच्छा सरप्राइज दिया आपको। थैंक यू सो मच सर। मेरा कोई सवाल तो नहीं है सर, बट कुछ एक एक्सपीरियंस है जो मैं थोड़ा सा शेयर करना चाहती हूँ। आज बहुत अच्छा मौका मिला है और बाकी भी सब मास्टर्स हैं साथ में, तो शायद किसी को भी इससे कुछ और भी मतलब कुछ फायदा हो। सर ये जो आप आज बता रहे थे सर और मैं सुन रही थी, तो मेरे को यही लगा कि हाँ जी वो तो आपने बिल्कुल सही बोला सर, ये 7 मिरर्स आपने पूनम के घर पे भी बताए थे और मैंने उसको नोट भी किया था, तो उसके बाद वो मतलब नोटबुक में ही कुछ टाइम के लिए फॉलो किया और फिर वो नोटबुक में ही बंद होके रह गया। बट आज जब मैंने इसको सर इतने एक्सपीरियंसेस लेने के बाद जब हम वो चीज़ दोबारा सुनते हैं और हमारी अवेयरनेस सर कहीं ना कहीं और जाके आगे बढ़ जाती है। मैंने ये चीज आपसे पहले सुनी थी सर, पर आज जब मैंने सुना, आज उसको मैंने एक दूसरी लाइट में देखा और मेरे को यही लगा सर कि मैं जो है ना मैं 5th वाले उसमें हूँ, जो 5th वाला जो मिरर है। और सर क्योंकि मैं बहुत सारी हीलिंग मोडालिटीज में हूँ, तो एक सोल लव करके, सोल टेम्पल करके एक हीलिंग मोडालिटी है जो हमको अपने अंदर ही लेके जाती है। तो कुछ दिन पहले सर ऐसे ही, और मैंने आपको एक बार पहले भी शेयर किया था सर कि मैं जब पानी में रहती हूँ, जैसे मैं नहाती हूँ, तो उस टाइम पे मेरे को सर बहुत मैसेजेस आते हैं सर, और इतने बढ़िया बढ़िया मैसेजेस आते हैं सर कि मतलब एक बार को तो मेरी खुद की आंखें खुली रह जाती हैं कि ये क्या हो रहा है मेरे साथ। तो सर ऐसे ही कुछ दिन पहले नहाते नहाते मेरे को मन में आया कि क्यों ऐसे हो रहा है, मतलब मेरे साथ, मेरे पेरेंट्स के साथ में ऐसा क्यों हो रहा है। जबकि मैंने आपको कुछ दिन पहले सर कुछ सवाल डाले थे, आपको याद होगा तो, और आपने बोला था कि आप क्लास में हैं, तो मैंने कहा था सर कोई बात नहीं आप आराम से जवाब दीजिए। तो सर ये सवाल मेरे मन में था ही कि ये ऐसा क्यों है, मतलब क्यों नहीं हीलिंग हो पा रहा है। सर कुछ दिन पहले ऐसे ही नहाने के टाइम पे मेरे को अचानक से मम्मी के बारे में ये आया कि जो भी सिचुएशन है अभी मेरी लाइफ में फिलहाल के लिए वही तो मेरी प्रोवाइडर है, मतलब एक तरह से वो भगवान ही है, देखा जाए तो भगवान तो है ही, पेरेंट्स हमारे हमारे लिए भगवान ही है। बट मेरे को दूसरे, मैंने जब नजरिए से देखा कि जो भी सिचुएशंस है फिलहाल के लिए तो वो मेरी भगवान है, तो मैं अगर इस भगवान से, मतलब मैं भगवान से कैसे नफरत कर सकती हूँ, या मेरा भगवान के साथ अनबन कैसे रह सकती है जो मेरा प्रोवाइडर है। सर उसी टाइम पे जब मेरे को ये अवेयरनेस आया सर, वो मेरा पूरा का पूरा जो है वो नजरिया बदल गया और मैंने वही अपनी हीलिंग मैंने चालू करी सर। और बिल्कुल सही कहा सर कि जैसे श्रीकांत सर का आपने एग्जांपल दिया कि वो घर पे आए और उनके फादर के साथ उनका फिर एक हफ्ता रह के और फादर उनको ऐसे गाली गलौज करते थे, तो वही चीज है सर कि अभी भी मतलब मेरी तरफ से जो है मैंने उनको मतलब माफी भी मांगा है सोल लेवल पे और मैंने हील भी किया है, और अभी फिलहाल वही है कि अभी वो बहुत मतलब इरिटेशन में रहते हैं, क्योंकि एक उनकी एज भी बहुत है सर, 93 है, और बहुत एज में क्या होता है तो सबको पता ही है कि जब कोई बहुत ज्यादा एज हो जाए तो वो खुद से परेशान हो जाते हैं कि हमारा मतलब अभी क्यों नहीं हमारा ऐसे समय आ रहा है और हमको क्यों इतना एज हमको मतलब काटना पड़ रहा है, या जो भी उनके मन में होगा सर। तो मेरी तरफ से सर अभी ऐसा ही है कि मैं जो है अभी मैं वो 5th मिरर में हूँ प्लस 6th मिरर में, वो जो डार्क नाइट ऑफ द सोल जो आप बोल रहे हैं मेरा वही चल रहा है कि, और उसको हीलिंग भी हो रहा है साथ साथ सर, पेरेंट्स के साथ भी जो है वो रिलेशनशिप हीलिंग में है। पापा तो है नहीं सर, मम्मी है, मम्मी बोलती रहती है उल्टा, बट मेरा जो रिएक्शन है ना सर वो इतना मतलब मैं खुद हैरान हूँ कि मैंने कैसे क्या मैं थी और अभी मैं कैसे इतने मतलब उनका रिएक्शन जो है, रिएक्शन नहीं है अब रिस्पॉन्स है सर, अभी भी सही है कि कई बार मैं थोड़ा रिएक्ट कर लेती हूँ, बट अभी जो है वो रिस्पॉन्स है और बहुत पोलाइटली उनको मतलब समझा के बोलना कि एक तो वो खुद परेशान है अपनी एज से और जो भी वो सफर कर रही है फिजिकली एज की वजह से,
तो ऊपर से अगर मैं इस तरह से बोलती हूँ तो वो कितना मतलब सामने वाले को कितना दो बन में कि मैं ऐसे बोल रही हूँ। तो बहुत मतलब बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा सर। और आज जब मैंने इसको नई लाइट में सुना तो मतलब एक तरह से मेरी आंखें और खुली, और मतलब ये जो है ये अब आगे चल के और बहुत बढ़िया मेरी एक हीलिंग होने वाली है। सो थैंक यू सो मच सर, दिस वॉज एन अमेजिंग 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 सेशन। एंड थैंक यू टू ऑल द मास्टर्स के सबकी वजह से जो है आज मेरे को इस तरह से ये करने मिला, ये सर का वीडियो सर का सेशन मेरे को सुनने को मिला। थैंक यू मास्टर्स। पास रहा है नागपुर में, फायदा मिला है कोलकाता वाले को। हाँ बहुत मिला है सर। देखो देखा कविता मैडम क्या हो रहा है, आपको वजह से कोलकाता वाले को फायदा हो गया। बिल्कुल सर। सर मुकुंद सर कुछ पूछना चाहते हैं। थैंक यू गीता मैम। थैंक यू जी। यस सर, मुकुंद सर। सर आपका आवाज नहीं आ रहा है मुकुंद सर। सर फिफ्थ आप आ रहे क्या? यस सर, यस सर आ रहे सर। सर फिफ्थ मिरर का जो टाइटल है सर वो जरा थोड़ा सा बताएंगे एक बार फिर से। द रिलेशनशिप विथ अवर फादर मदर, जी उसका बस स्लैश डालिए, स्लैश डाल के क्रिएटर डालिए, क्रिएटर। ठीक सर, क्योंकि ठीक ये ठीक हो गया तो क्रिएटर का करेक्शन हो जाएगा। ठीक सर, ओके, थैंक यू सर, थैंक यू। ओके सर, ओके। बहुत बढ़िया रहा सर आपका सेशन, आपका सेशन सुनने के लिए मैं कई बार यानी सुनता हूँ, मतलब ये है पहले भी काफी सुना हूँ मैं आपका, ओके सर, और ओके सर। 2017 से सुनता आ रहा हूँ आपको मैं। अच्छा सर। हाँ मैं तो पहली बार। और मुकुंद सर अभी हम लोगों के साथ में म्यूजिक दे रहे हैं, जुड़े हुए हैं हमारे साथ में ग्रुप के, वंडरफुल वंडरफुल सर, बहुत अच्छे म्यूजिक सर, दे रहे हैं, बहुत अच्छे सर, बहुत अच्छे सपोर्ट में हमारे। ओके सर, थैंक यू वेरी मच। ओके सर, बाय बाय मैडम। नहीं कविता मैडम, कविता मैडम दिखाई नहीं दे रहे। कविता मैडम तो कविता मैडम अनम्यूट कीजिए अपने आप को, आपका माइक म्यूट है, अनम्यूट कर लीजिए। आपने आपने मेरी आवाज आवाज बंद की हुई है पीछे से? नहीं नहीं अभी जा, आ, आ रही आवाज है? आ रही आ रही आ रही आ रही। मैं बहुत बार सर से बात करना चाहती थी, मेरी आवाज ही नहीं पहुंची सर। बहुत बहुत थैंक यू। कविता मैम आप तो को होस्ट हो। अरे मेरी आवाज सर तक पहुंची नहीं, और मैंने आपको मैसेज भी डाला कि आपको ये कर दीजिए, अनम्यूट कर लीजिए, मैसेज भी डाला है आपको। बोलिए मैडम। सर आप आज आज आपका बहुत बढ़िया सेशन रहा, जो सेवन मिरर के बारे में बताए हैं वो सबके पूरे जीवन बदलने वाले हैं, यानी जो भी जो जो किसी को प्रॉब्लम है इसमें पूरे सबके सवाल जवाब सबको मिल गए हैं। yes, sir, yes, sir. और बहुत बहुत धन्यवाद हमारे नागपुर में आने का, और हम आपसे निवेदन करते हैं कि आप जल्दी से जल्दी रोज रोज आए, जैसे भी आपको जब okay. सर आप एक okay. पूरी सीरीज लीजिए हमारे साथ में, किसी एक सब्जेक्ट के लेके सीरीज, बीच बीच में आता रहेंगे मैडम। हाँ आपकी अच्छा, लाइफ का सुनना है, आप कैसे आए ये ध्यान में, बहुत सारी बातें हैं आपसे सुनने वाली। और अभी तो आज एक हमारा कंप्लीट हुआ है, और हमें मार्गदर्शन करिए जरूर। ओके मैडम, थैंक यू सर, थैंक यू, बहुत 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 धन्यवाद। थैंक यू सर। और किसी को कोई सवाल पूछना है तो पूछ ले। हाँ जी किसी ने हैंड रेज तो अभी नहीं किया हुआ है, ठीक है। फ्रेंड्स अगर किसी को कोई क्वेश्चन है तो प्रगति मैम आंसर, कविता मैम आंसर करेंगे, और अगर नहीं है तो फिर हम लोग आज का ये सेशन क्लोज करते हैं। सर भी अभी चले गए हैं। हाँ जी चैट में भी आप लोग लिख सकते हैं, हैंड भी रेस कर सकते हैं। आज हैंड रेस तो किसी ने नहीं किया है। आज नए कौन कौन आए हैं? अभी तो देखो
नेहा नाइक, नेहा नाइक है, दिल्ली की है, है क्या उनका हो रहा है? अभी तो दिखा उनका वीडियो, अनम्यूट कर लीजिए नेहा। नेहा मैडम आपको कुछ बात करना है? नीलम बोल रहे, नेहा मैडम आपको कुछ बात करना है? जी नेहा मैम अपना माइक ऑन कीजिए, एक मैसेज भेजा है, अनम्यूट कीजिए, एक मैसेज भेजा है आपको। आप बोलिए। हनी प्रगति ताई को हाय कहना था। हाय, खूब अच्छा लगा आप आए हो तो। सेशन बड़ा अच्छा लगा। कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। रोज आई, रोज जुड़ी एवरीडे समय होगा, हर दिन चलते दिन होगा। ठीक है, बहुत अच्छा लगा। और आप मॉर्निंग में भी जुड़े थे ना आज? मॉर्निंग में जुड़ी नहीं तो रोज वो हमारे ही सेशन है मॉर्निंग वाला भी, आप उसमें भी जुड़ी है रोज जब आपको समय मिले। मुझे बड़ा अच्छा लगा मॉर्निंग का भी, थोड़ी देर तो मैंने किया 15-20 मिनट का ध्यान तो किया, उसके बाद में फिर मॉर्निंग चाय वाय बनाना होता है। नहीं वो भी अपना ही है। आप आइए वहाँ पर भी आइए, जब भी समय मिले जहाँ भी मिले यहाँ दोनों। ओके यस, एंड्रॉइड ब्लू ड्रॉइड का हैंड रेज है, आपका माइक भी ऑन है, आप बात कर सकते हैं। एंड्रॉइड ब्लू ड्रॉइड जी मैम, हेलो बोलिए मैम। मैम अभी क्या हुआ सेशन में? हाँ बोलिए मैडम। अभी मैं जब सेशन में थी ना, तो जब सुन रही थी रामा राजू सर का, तो मुझे नींद लग गई। अच्छा। पहले के दो और आखिरी के दो सुने, बीच का छूट गया। अगर वापस सुनना है तो कैसा करना पड़ेगा? हमारे पास रिकॉर्डिंग किया हुआ है मैडम। अच्छा, तो हम भेज देंगे आपको। हाँ, मेरा बता दूंगी तो नोट्स भी मैं आपको दे दूंगी, आप नंबर मेरे पास छोड़ दीजिए, आप नंबर चैट बॉक्स में डाल दीजिए, या तो फिर मैं आप बोल दीजिए, मैं लिख लेती हूँ आपका नंबर। हाँ, लिख लो यूट्यूब में दे दो ना, यूट्यूब में रिकॉर्डिंग भेज देंगे, रिकॉर्डिंग हम लोग शेयर कर लेंगे आपसे। फिर या तो आप नंबर भी दे दीजिए आपका। आप नंबर ले लीजिए, नंबर ले लीजिए चैट बॉक्स में। नहीं मैम, सबको चाहिए ना, सबको सबको रिकॉर्डिंग नहीं, आप यूट्यूब में डालो तो सबके पास आ जाएगा ना। वो तो करेंगे, डाल देंगे लेकिन जी मैम 9-6-7 हो गया, 3-0-6-7 वापस 1-2-1 ठीक है। थैंक यू मैम। ओके ओके मैडम। मैडम आप कहाँ से जुड़े हैं? कलकत्ता से हैं? कहाँ से हैं? रायपुर? नहीं जी मैम, मैं पुणे से हूँ। पुणे से है? हाँ, आप बता रहे थे ना जब शुरुआत में हमारा सेशन शुरू हुआ था। हाँ, आप पुणे से हैं? मतलब पुणे के नजदीक है, 50 किलोमीटर, छोटा गांव है, वहाँ से हूँ। ऐसे ऑनलाइन सेशन लॉकडाउन के चालू है ना, तब से मैं ज्वाइन हुई हूँ। बहुत ही अच्छे सेशन है आप, बिल्कुल हमारे यहाँ आप 3 बजे रोज आया कीजिए। जी बिल्कुल मैम, और एक एक सभी गेस्ट मास्टर आएंगे अपना एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए। जी मैम, मुझे ना मेरा जीवन ही बदल गया, मेरा जीवन बदल गया बहुत। बिल्कुल बिल्कुल, और वो बदलाव ही मैं चाहती थी, इतने सालों से कर रही थी लेकिन वो बदल नहीं आ रहा था, वो चेंज, वो यूटर्न पॉइंट नहीं आ रहा था, वो आ गया। अब कोई भी समय आ जाए मैं अंदर से शांत, और बहुत मजा आ रहा है मुझे जीने में, मजा आ रहा है। थैंक यू, बहुत अच्छा, थैंक यू वेरी मच अब आने के लिए। गीता खन्ना का, गीता खन्ना जी। हाँ जी नमस्कार जी, कविता जी नमस्कार, विधि जी नमस्कार, मैं कोलकाता से हूँ। हाँ जी बोलिए जी। अभी मैं रामा राजू सर से बात कर रही थी मैम।
तो मैं भी ये जो आज की जो रिकॉर्डिंग हुई है मैं भी ये चाहती हूँ कि अगर आप प्लीज मेरे को एक बार भेजे तो ये मेरे लिए बहुत अच्छा रहेगा। एक्सपीरियंसेस तो बहुत हैं कविता जी, एक्सपीरियंस मैंने आपको देखा था करताल में 2 साल पहले जब मैं आई थी, हम लोग एक ही गाड़ी में पत्री सर के घर से ले, ले और वो पंडाल तक हम लोग एक ही साथ गाड़ी में आए थे, जब जसी भी थी साथ में, हम लोग और कई जन थे, बट आपसे मेरी बात नहीं हुई थी उस टाइम पे। आपका वीडियो नहीं दिख रहा, मैं देखूं नहीं तो पहचान जी, मेरे वीडियो में कुछ प्रॉब्लम है कविता जी, और करुणा और मैं हम लोग एक साथ आ रहे थे, मैं कलकत्ता आ रही थी, कहीं जा रही थी, तो चड्डा जी ने चाय और नाश्ता दिया था, तो बिल्कुल 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 क्योंकि याद रह जाती है। करुणा तो मेरे साथ ही रुकी थी और जी करुणा ने बताया था, मतलब आप लोग के साथ बहुत प्रेम है उसका, वो बता रही थी, उसका फोन आता रहता है। जी वो बता रही थी, तो इसीलिए तो खैर एक्सपीरियंसेस तो बहुत है। मैं जब भी सर से जुड़ी हूँ, जब से मैं जुड़ी हूँ तब से बहुत बहुत बढ़िया बढ़िया एक्सपीरियंसेस हुए हैं और अभी भी हो रहे हैं और आगे भी होते रहेंगे। बट ये है कि कई बार ऐसा होता है कि कोई एक चीज जो है ना वो बहुत गहरा लग जाती है, मतलब दिमाग में घर कर जाती है, दिल में बैठ जाती है, उतर जाती है, तो उसी को लेके अगर, मतलब मेरा अपना मानना ये है कि अगर हम जो चीज हमारे हमको लग जाती है उसको लेके अगर हम थोड़ा और उसको चर्चा करते हैं या सेल्फ मतलब उसको अनुभव करते हैं या उसको हम उस चीज को हम एक्सपीरियंस करते हैं तो उससे हमारी आगे बहुत अच्छी मतलब हम लोग बढ़ते जाते हैं, बहुत बहुत ग्रोथ होती है, बहुत और बहुत अच्छे से होती है, सिर्फ ग्रोथ नहीं होती है, मतलब विद फुल अवेयरनेस एंड अंडरस्टैंडिंग जो ग्रोथ होती है उस ग्रोथ का अवेयरनेस एक्सेप्टेंस रियलाइजेशन अंडरस्टैंडिंग ये मतलब इन्हीं सब चीजों के आधार पर जब हमारी ग्रोथ होती है तो मुझे लगता है कि इसी को शायद वो एनलाइटनमेंट बोलते हैं कि मतलब यही आधार होता है एनलाइटनमेंट का। और घर कर की हुई चीजों का जैसे आज बहुत अच्छा सर ने बोला, मेरे तो अनुभव भी है इन सब के ऊपर और ये मैंने सर से 2 साल डेढ़ साल 2 साल पहले भी सुना था जब कोलकाता आए थे पूनम के घर पे, तब भी मैंने सुना था। तो आज जब मैंने सुना, जैसे मैं अभी बता रही थी सर को कि आज जब मैंने सुना तो एक नई रोशनी में, मतलब नई अवेयरनेस के साथ, नई रोशनी में, मतलब ऑलरेडी वो चीजें मैं एक्सपीरियंस कर रही हूँ और फिर जब वो सामने से सुन रही हूँ तो एक और ही दुनिया खुल जाती है। अरे वाह, अच्छा इसके साथ ये भी होता है, मतलब ऐसा होता है, ये एक बहुत बहुत अच्छी चीज है और ये बहुत दिल को छूने वाली चीज है। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि अगर आप मतलब रिकॉर्डिंग दे सकते हो, जी अगर मेरे को रिकॉर्डिंग भेजे तो बहुत मेहरबानी होगी आपकी। ओके ये अपन जब ये चीजों में आगे बढ़ते हैं तो अवेयरनेस बढ़ जाती है हमारी, बिल्कुल पूरी बढ़ती है तो ग्रोथ अपने आप होती है हमारे, फिर कोई मन में कुछ भी नहीं रहता, बस एक जीरो पॉइंट आ जाता है, बिल्कुल बिल्कुल हो जाते हैं। बिल्कुल, बट उसके साथ में फिर कई चीजें और भी होती है, मतलब हमने देखिए ये तो हमारा एक चीज है, मतलब हमने इस एक चीज में मान लीजिए कि कोई रिलेशनशिप इशू है तो मैंने उसको अवेयरनेस के साथ, रियलाइजेशन के साथ मैंने उसको एक्सेप्ट किया और मैंने मैं ग्रो करी उसमें, क्योंकि मेरे को रियलाइज हुआ कि मैं कहीं ना कहीं मैं इसको ठीक नहीं कर रही थी। हाँ, मैं ठीक नहीं कर रही थी इसको, मैं गलत जा रही थी, सामने वाला गलत नहीं था, मैं ही गलत जा रही थी। तो जब तक ये मेरे को रियलाइजेशन नहीं आती है तब तक तो मैं वही चीज वापस करती रहूंगी, क्योंकि मेरे को तो यही लगेगा कि नहीं भाई मैं तो बिल्कुल सही हूँ, मैं ध्यानी हूँ, मैं मास्टर हूँ, मैं बहुत बड़ी हूँ और सामने वाला तो ध्यान ही नहीं करता है तो वो तो गलत है। पर अगर मैं इसके साथ अगर मैं रहूंगी तो मेरा कुछ भी होने वाला नहीं है, मैं वहीं की वहीं रहूंगी, उल्टा और नीचे की तरफ जाऊंगी। बट जब मैंने ये रियलाइज किया कि अरे ये तो मैं ही गलत कर रही थी, मैं ही गलत सोच रही थी सामने वाले के प्रति, तब वही मेरा एक्सेप्टेंस, एक्सेप्टेंस भी होती है, अवेयरनेस भी होती है, रियलाइजेशन तो हो ही चुकी है, रियलाइजेशन तो मेरी हो ही चुकी है और अवेयरनेस भी मेरे को हो गई है। और जब मैं इस चीज को एक्सेप्ट करती हूँ कि मैं ही गलत हूँ, सामने वाले की गलती नहीं है, वो तो मेरे को मेरा रिफ्लेक्शन दिखा रहा है कि मैंने आपको जोर से कोई बात, मैंने आपको बेइज्जत किया, आप मेरे को अब बेइज्जत कर रहे हो, तो इसमें आपकी क्या गलती है,
तो ये जब मेरे को मन में रियलाइजेशन आती है, उसके साथ अवेयरनेस और एक्सेप्टेंस आती है, मेरी ग्रोथ इस चीज में मैं पूरी तरह से ग्रो कर जाती हूँ। बट इसके साथ क्या होता है कि कुछ और चीज भी होती है जिसपे मेरे को रियलाइजेशन और अवेयरनेस और एक्सेप्टेंस भी आ जाती है कि नहीं, अब इसके बाद आगे मेरे को ऐसे ही चलना है सबके साथ। तो एक दूसरी दुनिया खुल जाती है साथ में। बहुत सारे रास्ते ध्यान में मिलते हैं हमें, ध्यान से बहुत रास्ते खुलते हैं हमारे, इतने परिवर्तन आते हैं हमारे जीने के रास्ते जो है एकदम बदल जाते हैं जब हम अवेयर हो जाते हैं। तो उसके बाद तो ऐसे लगता है कि अपन बहुत अच्छी लाइफ में पहुंच गए हैं। बिल्कुल 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 सही बात। सबसे पहले सबको एक्सेप्ट करना सीखो बस, जब हमने एक्सेप्ट कर लिया तो फिर तो कोई कुछ बचता ही नहीं है उसके लिए, हम जीरो ही हो जाते हैं। बिल्कुल 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 बिल्कुल। बट ना कि गीता मैम सॉरी टू इंटरप्ट, बट हम लोग का ना सेशन का वो हम लोग ने टाइम सेट करके रखा था तो बाद में शायद बंद हो जाएगा। आप कल, आई एम सॉरी टू इंटरप्ट, आपका बहुत सुंदर आपका एक्सपीरियंस रहा है, लेकिन हम कल भी यही वाले सेशन में हम लोग जुड़ते हैं 3 बजे। हमारा एक्चुअली वो बंद हो जाएगा बीच में अपने आप। नहीं नहीं ठीक है ठीक है, थैंक यू सो मच, थैंक यू। गीता मैडम सबका बहुत थैंक यू। गीता मैडम मैं भी आपसे कल भी बात करती थी। गीता मैडम हाँ जी, आपका नंबर आप दे देंगे तो हम आपको गेस्ट करके इनवाइट करेंगे। हेमा मैडम का वो बंद करो ना जरा स्पीकर, कहाँ है हेमा मैडम? अच्छा हेमा मैडम का चालू नहीं है। हेमा हेमा नहीं है चालू, उनका बंद है। किसका चालू? तो बहुत आवाज आ रही बीच में, किसी का चालू तो है क्या? सभी के बंद है। हाँ, अभी तो गीता मैडम आपका नंबर देंगे तो हम जरूर जरूर तो आपके इतने अच्छे एक्सपीरियंस है, क्योंकि जो जीवन से लग के एक्सपीरियंस होते हैं ना वो लोगों को सुनाने में, क्योंकि लोगों का फिर बदलाव होता है अपना। बिल्कुल बिल्कुल। तो आप अपने एक्सपीरियंस बताएंगे, एक तो आपने शेयर किया और भी आप बताएंगे तो लोगों को बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि जुड़ जाइए। तो आप कल 3 बजे जरूर। हाँ जी जरूर आऊंगी, मेरा नंबर ले लीजिए। ओके मैडम थैंक यू। हाँ नंबर, थैंक यू मैडम, थैंक यू। हाँ नंबर ले लीजिए। हाँ 900 976 76 25 25 65 65 1 1 जी। गीता मैडम है ना? हाँ जी हाँ जी हाँ जी। ठीक है मैडम, आप रोज भी जुड़िए, फिर हम आपको एक दिन गेस्ट भी बुलाएंगे। श्योर 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 मैडम, आपकी बात सुनना चाहेंगे, बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करके बताते हैं सब। थैंक यू सो मच, थैंक यू वेरी मच। ओके मैडम थैंक यू वेरी मच। सभी मास्टर्स का बहुत बहुत धन्यवाद आज का सेशन रखने के लिए। हाँ बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद आने के लिए, बहुत धन्यवाद। चलिए फिर अब मीटिंग एंड करते हैं। यस यस यस, अभी वो मीटिंग अब एंड हो जाएगा।